मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। सबको नमस्कार। पर सबके चेहरे नहीं दिख रहे यार, मजा नहीं आ रहा। एक बार फिर से साबरमती में करेंगे अपन, है ना? जी सर। कल से शुरू करते हैं सर। हैं? कब से? कल से शुरू करते हैं सर। क्या आज के आदेश हो जाए, कल से मिलते हैं। सभी की ऐसी इच्छा है। हाँ यार, सही बात। ऐसे तो मेरा जो टॉपिक है वो आप सब लोग को लिए तो नई बात नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। सबको इसके बारे में बेसिक भी पता है, एडवांस भी पता है। वो ज़्यादा बोर तो मैं नहीं करूँगा, बट ये है कि आपको बहुत टाइम से आपका कुछ चीज़ें थोड़ा ब्रशिंग कर देंगे, ताकि थोड़ी जो मिट्टी शिट्टी है वो निकल जाए। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग अपन स्टार्ट करते हैं। इनिशियली होता है टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग। आपको सबको पता होगा कि पहले टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग होते थे, दो ही आस्पेक्ट होते थे, एच जी और डी जी, एच जी एंड आर जी। फिर बाद में धीरे धीरे अपन थ्री आस्पेक्ट सिग्नलिंग की तरफ बढ़े, उसके अंदर तीन आस्पेक्ट आ गए, डी जी, एच जी और आर जी। अब एक्चुअल में दिक्कत यह है कि आप सर्किट तो पढ़ लोगे, बट ऑब्जेक्टिव में आपको किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आएंगे? ये तो तुम्हारा 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा ना इस बार तो? यस सर। हाँ, तो इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कि आप यही पूछ लेंगे कि भाई डीजी के लिए कौन कौन से रिले की कंडीशन क्या होना चाहिए, तब आपको उस टाइम एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि एच आर अप होना चाहिए, डी आर अप होना चाहिए, या एच आर अप होना चाहिए, डी आर डाउन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। ये वहाँ पे कोई आपको पूछेगा ही नहीं सर्किट डायग्राम बनाना है या कुछ कौन सा कॉन्टेक्ट लगाना है, क्या करना है। तो आपको अपने हिसाब से और जल्दबाजी नहीं करके उसको समझ के अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो देखेगा कि रिले की कंडीशन किस आस्पेक्ट के लिए क्या होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो इसमें ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं है। अब थ्री आस्पेक्ट सिग्नल विथ परमिसिव सिग्नल, दैट इज डिस्टेंट सिग्नल, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सिग्नल अपना कितना आस्पेक्ट का हो जाता है? फोर आस्पेक्ट का हो जाता है। पवार है क्या? नरेंद्र भी है क्या? गोधरा वाला नरेंद्र? अच्छा, नहीं, त्यागी जी है कि नहीं? त्यागी जी, ओके। तो ये जो त्यागी जी तो है लेकिन पता नहीं, आए नहीं। ये नरेंद्र पवार भी कर रहा है ट्रेनिंग गोधरा वाला? पता नहीं। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट। हाँ है सर, ये नरेंद्र पवार है। नरेंद्र जो है, नरेंद्र तेरी हाजिरी तो दे यार। हाजिरी नहीं होगी अभी तो गायब हो गया होगा लगा के जी। चलिए, दैट इज द फोर आस्पेक्ट। अपना जो डिस्टेंट सिग्नल होता है वो चार आस्पेक्ट का होता है, इसके अंदर कौन कौन सा आस्पेक्ट, उसके हिसाब से ये अपना कंट्रोल चार्ट बनता है। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये ध्यान रखना है किस आस्पेक्ट के लिए रिले की कंडीशंस क्या क्या होगी। ए बी सी डी में ऐसे ही आएगा कि एच एच जी के लिए भाई रिले की कंडीशन क्या होगी, एच एच आर अप होगा प्लस डी आर अप होगा, या एच एच आर अप होगा डी आर डाउन होगा, लाइक दैट। वो तो तुमको सबको पता है, बस थोड़ा सा उस टाइम अपने को कॉन्स्टिट्यूशन बना के प्रश्न को दो बार पढ़ के उसका उत्तर देना है, ठीक है? ये दिस इज इम्पोर्टेंट। ये फोर आस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट है, इसको अगर आप देख लोगे तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। मैं आपको बाद में शेयर भी कर दूंगा मेरी पीपीटी। अब रेड लैम्प प्रोटेक्शन, अब रेड लैम्प प्रोटेक्शन का तो हर साल ये पूरा सर्किट आता था, पर ऑब्जेक्टिव में रेड लैम्प प्रोटेक्शन में क्या आएगा ये तो आप ही को बनाना पड़ेगा। जनरली रेड लैम्प प्रोटेक्शन एक सेफ्टी सर्किट है। अगर कोई लैम्प किसी एस्पेक्ट का कोई एकदम ब्लैंक हो जाता है तो उसके पीछे वाला जो सिग्नल है वो मोर रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट, दैट इज रेड पे चले जाता है। यही है रेड लैम्प प्रोटेक्शन। तो आपको इसको फिर से थोड़ा सा सर्किट तो विशेष कर देखने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस यही है कि आपको उस टाइम प्रश्न में क्या पूछा गया। देखो ऐसा है, प्रश्न तो सब सॉल्व कर लेंगे, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, और उसी में बंदे की टेस्टिंग होती है।
तो आपको उसके लिए तैयार होना है। 100 में से 50, 60, 70 तो सभी कर लेंगे। मेन जो फाइट होती है वो लास्ट के 10-20 प्रश्न में ही होती है। तो सर मेन एग्जाम तो सब्जेक्टिव होगा ना? मेन एग्जाम तो सब्जेक्ट ही होगा, पर अभी तो पहले की तैयारी तो कर ले यार। जी जी अच्छा मतलब तेरा मेन में डायरेक्ट नाम दे देंगे अब, ठीक है? हाँ थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस में। हाँ सर, सुनील बेरवा जी को जरूरत भी है इसकी। कौन कौन बोल रहा है ये? प्रेमपाल बोल रहा हूँ सर। लखपत मीणा बख्शी से। प्रेमपाल। प्रेम देखो भाई, इस बार हेडक्वार्टर वाले बड़े सरप्राइज देने वाले हैं, मान के चलो आप। दो बंदे तो हमारे पास ऐसे हैं कि वो तो क्रैक कर ही देंगे। वो दो कौन है ये बताऊंगा नहीं मैं आपको अभी। चलिए ठीक है। तो ये एटलैब प्रोडक्शन में है। अरे त्यागी जी, सुबह से आपको याद कर रहे भाई, कहाँ थे आप? सर मैं ये एक्चुअली कंप्यूटर से ऑनलाइन हूँ और उस पे जो है कि ये काम नहीं करता है, वॉइस काम नहीं करती है। मैं तो ये सोच रहा था त्यागी आ जाएंगे तो खुद ही क्लास ले लेंगे। मैं तो बैठे के सर देखता रहूंगा क्या कर रहा है। वादा नहीं सर, वादा नहीं, लेकिन क्या है कि ये जो चीजें हैं, आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है। अरे आपके और मेरे में कुछ ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपके अंडर में पता है सेवालियों से स्टार्ट किया था आपने, बीस स्टार्ट किया था। हालांकि नो डाउट चीजें साल तो सेम है। कितनी आपका सर्विस कितना हो गया? 20-22 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, हाँ नहीं सर, अभी 12 साल बाकी है। 12 साल बाकी है। ओके ओके, तो जी जी अब तो निकल जाओगे यार। तो देखो एज कम लिखाए थे सर। दिखती भी कम है। नहीं सर, मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि अब हम लोग उस जोन में आ गए हैं ना। हम तो 2 साल वाले बचे हैं यार, क्या है। नहीं नहीं सर, नहीं, आपको तो अभी 2 साल के आ, 2 साल के बाद भी जो है कि आपको रेलवे कहाँ छोड़ने वाली। चलिए, नाउ यू विल स्विच ओवर टू सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में तो जानते हो, वह सिग्नल जो ऑटोमेटिक में भी काम कर लेगा और मैं उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल। अब इसमें तुमको प्रश्न क्या आएगा वो अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो यही पूछ सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कैसे काम करता है, एज ऑटोमेटिक करता है, एज मैनुअल करता है, दोनों करता है, नन ऑफ द अबव। ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार सब लोग पास हो जाओगे आप, क्योंकि सीएसटी सर का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। और अब देखना, इस बार बस यही है कि आपको उस टाइम अपने को शांत मन से उसका उत्तर सोचना है और फिर देना है। ऐसा नहीं हड़बड़ी में पर आधे घंटे में बाहर निकल के बाहर बोले देखो यार मैं तो आधे घंटे में करके आ गया, ये सब चीजें मत करना। आप आधे घंटे में कर भी लेते हो तो फिर उसको पढ़ो। मेरे ख्याल से 2 घंटे का या पता नहीं 1 घंटे का क्या पेपर होगा, तो आप उसको पूरा टाइम दें और ढंग से पढ़ें। और आपको सबको वो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि आपका जो पेपर है ना वो आउट है। सभी को पता है कि पेपर में क्या आने वाला है। अब दिक्कत ये है कि उस टाइम आप लोग कितना अपना कंसंट्रेशन दे पाते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक में ये तो पुरानी सीरीज है, किंग लीवर वगैरह, अब तो अपने यहाँ तो सीमेंस का है और अब तो ईआई आ गया है। बट सेमी ऑटोमेटिक में अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कैसे काम करता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सभी को आता है। टेलीकॉम वाले कितने हैं इसमें? आधे होंगे। कोई टेलीकॉम से नहीं है क्या? अच्छा कंफर्म नहीं है सर कितना कितना परसेंटेज है, लेकिन काफी है। हाँ, तो टेलीकॉम वाले को अगर कोई इशू हो ना तो फिर बाद में वैसे डिस्कस कर लेना। सिग्नल वालों को तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिए इसमें। रही बात, अब नेक्स्ट है क्रॉस प्रोटेक्शन एंड डबल कटिंग। ये नाम भी बहुत पुराना, जिस दिन अपन रेलवे में आए हैं उस दिन से इसी सेट में ये बात बताई जाती है कि भाई क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है, डबल कटिंग क्या होती है, ये अपन क्यों देते हैं, इसके कारण कैसे अपन अनसेफ से बच सकते हैं। तो क्रॉस प्रोटेक्शन इसीलिए देते हैं, कोई फॉरेन फीड या फॉल्स फीड आके अपने रिले को पिकअप नहीं करा दे। अपना रिले तभी पिकअप हो जब उसको प्रॉपर उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके रिले पिकअप होने के लिए क्या क्या चाहिए। कुछ आपको ट्रैक पिकअप चाहिए, फाइट के स्टेडी इंडिकेशन चाहिए या स्लॉट प्रॉपर मिलना चाहिए। तो उस सब चीज को टेक केयर करके ही अपने रिले को पिकअप होना चाहिए। तो क्रॉस प्रोटेक्शन एक वो अरेंजमेंट है जिसके जिसको हम प्रोवाइड करते हैं हमारे सर्किट में, कि
ताकि कोई भी रिले फॉल्स फीडिंग, मतलब कोई बाहर से कोई फीड आ रही हो, मतलब अपना क्या है कि पॉइंट नॉर्मल होना चाहिए, रिवर्स पड़ा है, ट्रैक सर्किट अपना पिकअप होना चाहिए, ड्रॉप पड़ा और फिर भी वो रिले पिकअप हो जाए, तो इस अनसेफ सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सर्किट में हम लोग क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या होगा कि अगर फॉरेन फीड आ भी जाएगी तो वो आपस में शॉर्ट हो जाएगी, वो रिले आपका पिकअप नहीं होगा। ठीक है, ये उसी के हिसाब से अलग अलग अरेंजमेंट है, बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं आपकी, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव ये है तो इसमें कोई अरेंजमेंट के बारे में अभी फिलहाल ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग कंसंट्रेट करें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के, आपको खुद को ही ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्योंकि बनाने वाले कोई नहीं, आपके जैसा आप सोचते हैं वैसे हायर अप सोचते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। एक नेक्स्ट है ट्रैक लॉकिंग। सब लोग जानते हैं ट्रैक लॉकिंग क्या होती है। ट्रैक लॉकिंग इनिशियली अपन जब मैकेनिकल सिग्नलिंग में देखते हैं तो अपन कैसे करते थे, एक लॉक बार प्रोवाइड कर देते थे। लॉक बार के ऊपर अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो लॉक बार ऑपरेट नहीं होगा, तो उससे अपने को अपना रूट होल्डिंग वो अचीव होता था। और इलेक्ट्रिकल में अपन क्या करते हैं, ट्रैक सर्किट्स बना देते हैं कि अगर वो ट्रैक फेल होगा तो वो ट्रैक लॉक होने से वो पॉइंट घूमेगा नहीं आपका। तो ट्रैक लॉकिंग जो शब्द है ये अभी आप जैसे ट्रैक, अभी तो जैसे एक्सल काउंटर भी आ गए, उसमें भी उससे भी अपन ट्रैक लॉकिंग अचीव कर सकते हो। ट्रैक डीसी ट्रैक सर्किट से तो करते ही हैं अपन। तो ट्रैक लॉकिंग को अपन ऐसे डिफाइन कर देंगे कि इलेक्ट्रिक लॉक ऑन द पॉइंट मैकेनिज्म, मतलब वो है कि उसके कारण हम पॉइंट को लास्ट ऑपरेटेड पोजिशन में होल्ड करके रखते हैं जब तक कि वो ट्रैक फेल पड़ा हुआ है, अगर पिकअप होगा तो ही हम पॉइंट को अल्टर कर पाते हैं। अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, अगर ट्रैक फेल हो तो क्या पॉइंट ऑपरेट होगा नहीं होगा, ईबीपीयू से होगा कैसे होगा, ट्रैक लॉकिंग क्यों जरूरी है, ताकि कोई पॉइंट अल्टर नहीं कर सके, अल्टर नहीं कर सके मतलब कोई रूट अल्टर नहीं कर सके और उसके कारण कोई अनयूजुअल अनहैपनिंग नहीं हो। ठीक है, ट्रैक लॉकिंग सबको पता है, इसमें कोई विशेष है नहीं। इंडिकेशन लॉकिंग तो जानते हो, नाम ही इसका बताता है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब जो चीज़ जैसी उसका इंडिकेशन हमको मास्टर ऑफिस में मिल जाए। पुराने जमाने में तो कैबिन होते थे तो कैबिन में मिल जाते थे। तो इंडिकेशन मीन्स जो साइड पे है वो अपने को पैनल पे दिखना चाहिए या वीडियो पे दिखना चाहिए, उसको ही हम बोलते हैं इंडिकेशन लॉकिंग। ये बहुत सारे अरेंजमेंट है, ये तो पुराने जमाने के हैं, इसके अब तो कोई इतना यूज नहीं आता है। अप्रोच लॉकिंग, अप्रोच लॉकिंग के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। अप्रोच लॉकिंग मतलब कोई अपन ने सिग्नल दिया है और कोई गाड़ी अप्रोच कर रही है तो वो अप्रोच दो तरह की होती है, डेड अप्रोच होती है, नॉर्मल अप्रोच लॉकिंग होती है। तो अप्रोच में अगर कोई अपनी गाड़ी आ रही है और उसने जो उसका ट्रैक सर्किट ऑक्यूपाई कर लिया है तो फिर हम सिग्नल तो डेंजर कर सकते हैं बट रूट अल्टर नहीं कर सकते। तो ये अप्रोच लॉकिंग, अभी एक दो दिन चापानेर में एक केस हुआ था, बहुत पुराना, काफ़ी लोग जानते होंगे, तो उसमें भी ये अप्रोच लॉकिंग का ही गड़बड़ हुआ था। ये अप्रोच लॉकिंग इफेक्टिव होने के कारण नहीं हुई और लीवर भी नॉर्मल हो गया और उसके बाद फिर वो पॉइंट भी अल्टर हो गया। एक मालगाड़ी खड़ी थी लाइन नंबर एक में, उसके ऊपर दूसरी मालगाड़ी आ गई और काफ़ी हैवी नुकसान भी हुआ और वो इट इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सीडेंट वेस्टर्न रेलवे। इसलिए अप्रोच लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे कंटिन्यूस ट्रैक सर्किटिंग होते हैं वहाँ तो दिक्कत नहीं आती है। मेन प्रॉब्लम अप्रोच लॉकिंग की आती है जैसे होम सिग्नल है, अब होम सिग्नल के आगे तो कोई ट्रैक सर्किट होते नहीं एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में, तो उसके अंदर फिर अपन जो लॉकिंग देते हैं दैट इज कॉल्ड डेड अप्रोच लॉकिंग। मतलब उसमें एक टाइमर होता है कि भाई अगर आपने सपोज पॉइंट आपने वो सिग्नल लीवर नॉर्मल मतलब सिग्नल उठा भी दिया तो दो मिनट तक दैट इज 120 सेकंड तक आप पॉइंट को अल्टर नहीं कर सकते। इस 120 मिनट में क्या होगा कि अगर आप उसको इमीडिएट करेंगे तो क्या होगा कि सपोज इमीडिएट आपने जैसे ही उठा के कर दिया और गाड़ी अप्रोच में बिल्कुल आ ही गई थी होम सिग्नल पे और आपने उठा के अगर रूट अल्टर कर दिया तो गाड़ी अगर दो लाइन में जाना होगा और उसको आपने चेंज कर दिया तो फिर वो एक लाइन में चली जाएगी।
तो इस सब चीज़ों के इस अवॉइड करने के लिए अपनी डेड अप्रोच लॉकिंग देते हैं। और नॉर्मली अपन जब भी स्टेशन पे जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो ये जरूर चेक करिएगा कि ये डेड अप्रोच लॉकिंग इफेक्टिव है कि नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं कि जो मास्टर लोग बोलते हैं, अरे दो दो मिनट तो ज़्यादा हो गए, इसको आप 1 मिनट कर दो। तो अपना स्टाफ तो बड़ा सीधा और वो सरल होता है ना सिग्नलिंग का, तो वो मास्टर की बात मान के कर लेता है। तो ये आप इसको जाके ये जरूर, और कोई लॉकिंग आप चेक करें या नहीं करें, डेड अप्रोच लॉकिंग जब भी आप अपने इंस्पेक्शन में जाते हैं इसको जरूर चेक करिएगा कि ये 2 मिनट प्रॉपर है कि नहीं है। इसमें भी प्रश्न कैसे आएगा वो तो आपके को डिसाइड करना, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। यही पूछ सकते हैं कि डेड अप्रोच लॉकिंग का टाइमर कितने सेकंड का होता है ना? रूट लॉकिंग वही मैंने आपको पहले बताया, लॉक बार और ट्रैक सर्किट से रूट होल्डिंग करते हैं, वही एक तरह से ये रूट लॉकिंग है। अब ये तो बेसिक था आपका अपने सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के बारे में। नेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में तो काफी लोग काम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ना। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग अपने अभी तो अपने चर्च गेट से लेके इधर अहमदाबाद तक है और इधर बड़ौदा तक है। और अभी क्या है कि 160 केपीएच का भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब अब जो अपनी गाड़ियां है ना 160 केएमपीएच पे चलेगी। और पहले अपन लेंगे ए रूट और बी रूट, दैट इज फ्रॉम बीसीटी से लेके नागदा और इधर बड़ौदा से लेके अहमदाबाद। तो इसके अंदर जो पोर्शन अभी छूटा हुआ है, अभी क्या है बड़ौदा से नागदा तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग नहीं है, तो उसमें भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का क्या फ़ायदा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग अपन क्यों लगाते हैं? तो ये इस पर थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाने से क्या होता है कि ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर आपका कोई ब्लॉक सेक्शन सपोज 5 किलोमीटर का है या 10 किलोमीटर का है, तो अभी 10 किलोमीटर में आपकी एक ही ट्रेन चलेगी। अगर आप ऑटोमेटिक सिग्नल लगा देंगे तो हर 1 किलोमीटर पर आपको सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपकी उसी ब्लॉक सेक्शन में 10 ट्रेनें मूवमेंट कर सकती है, मतलब आपका पाथ बच गया। जो 10 किलोमीटर में एक ट्रेन चल रही थी, अभी पैरेलल में कुल 10 ट्रेन चल सकती है। तो दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। बाकी तो सब कुछ है ही कि ड्राइवर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको सिग्नल अच्छे दिखेंगे, 4 एस्पेक्ट सिग्नलिंग हो जाएगी। और मेन जो फायदा है कि ट्रैफिक का जो डेंसिटी है, वी कैन कोप अप विद द मोर ट्रॉफिक डेंसिटी। अब ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं सर, एसेंशियल था एप्सोलूट ब्लॉक सिस्टम। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए ऑटोमेटिक एप्सोलूट में? क्या होता है कि आपके होम सिग्नल के बाद तो फिर ट्रैक सर्किट होता नहीं है, क्योंकि हमको तो फिर ब्लॉक के थ्रू अपन ये इंश्योर करते हैं कि ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है। ऑटोमेटिक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सिग्नल ऑटोमेटिक अपना सिग्नल चेंज करता है, दैट इज उसका नॉर्मल एस्पेक्ट ही ग्रीन होता है। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, नॉर्मल एस्पेक्ट रेड होता है। ठीक है, इसका पहला एसेंशियल्स में क्या है, द लाइन इज ट्रैक सर्किट थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ विच इज गवर्न्ड बाय ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। ठीक है, इसमें कोई डाउट है कि भाई अपन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ब्लॉक सेक्शन को, और वहाँ पे एक सिग्नल खड़ा करते हैं। वो सिग्नल हमको बताता है कि आगे का पूरा आगे वाला सिग्नल प्लस उसका 120 मीटर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो येलो है, उसके आगे वाला भी क्लियर है तो फिर डबल येलो है, उसका फर्दर क्लियर है तो ग्रीन है। ठीक है, इट इज लाइक दैट। द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज कंट्रोल बाय स्टॉप सिग्नल विच आर ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द पैसेज ऑफ द ट्रेन। अब आने वाले टाइम में तो, और अभी अपन अब मैं आपको बात आगे बताऊंगा, टिकास टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं अपन। टिकास टेक्नोलॉजी बाद में डील बताते हैं इसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले टाइम में वही आने वाला है। तो इसको वही होता है कि कोई भी स्टॉप अपना द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल बाय द स्टॉप सिग्नल विच आर ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली
by the passage of the train past the signal. Next is, no automatic signal assumes unless off, unless the line is clear, not up to the stop signal ahead, but also an adequate distance. So, मैं बोल रहा था ना आपको, adequate distance मतलब वही 120 meter. इसमें से एक आप एक दो ऑब्जेक्टिव आपको जरूर आएंगे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बाद में, तो नहीं तो फिर अपना सिक्का होता ही ना यार, उसको उछाल लेने का और क्या, चार में से दो, दो में से एक. अच्छा, मेन इसका एडवांटेज, इसको ध्यान देना, द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग अरेंजमेंट फैसिलिटेट टू इंक्रीज द लाइन कैपेसिटी, वही मैं जो ट्रैफिक कैपेसिटी की बात कर रहा था, विदाउट एनी एडिशनल स्टेशन बींग कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन. अच्छा ये बताओ, अगर स्टेशन अपन बनाएंगे तो अपना कितना खर्चा होगा? एक तो स्टेशन खुद का बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, फिर आपका पूरे पूरा लेआउट बना, मतलब सिग्नल पॉइंट सब आएंगे, फिर स्टेशन मास्टर आएगा, फिर पीपी आएगा, फिर चार तीन चार स्टेशन मास्टर के लिए फिर एक आरजी आएगा, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है. उस खर्चे को सेव करने के लिए अपन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम एडॉप्ट करते हैं, ताकि अपना मेंटेनेंस भी कम हो, खर्चा भी कम हो, और ट्रैफिक की जो कैपेसिटी है, लाइन कैपेसिटी, वो अपन इन्हेंस कर पाए, उसको बढ़ा दें, जो अपने को डिजायर होता है. ये वही एडिक्वेट डिस्टेंस जो मैं आपसे बात कर रहा था. द एडिक्वेट डिस्टेंस आल्सो बी टर्म्ड ओवरलैप, इसको अपन बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप, ओवरलैप ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, कैन नॉट बी लेस देन 120 मीटर, वो 120 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली बात हो. अच्छा, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दैट इज, कोई उसमें हो कि भाई 120 नहीं मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर अपने को आस्पेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. ठीक है, द इंटायर लेंथ ऑफ द ट्रैक टू बी ट्रैक सर्किटेड फॉर प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग एंड डिवाइडेड इनटू सेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड एज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन. वही जो मैंने आपको इनिशियली पहले भी बताया, सेम वही चीज है. अब इसमें ये जरूर पूछ सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन अपन किसको बोलते हैं. तो द पोर्शन ऑफ रनिंग लोड बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, दो स्टॉप सिग्नल के जो बीच की दूरी है ना, उसको अपन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन बोलते हैं. ईच ऑफ दिस सेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाई ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, एक स्टॉप सिग्नल लगा रहता है, वो उस पर्टिकुलर जो भी स्पान है दो सिग्नलों का उसको वो प्रोटेक्ट करता है, दैट इज उसके हिसाब से उसके एस्पेक्ट चेंज होते हैं. द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इनटू द सेक्शन एंड ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द पैसेज ऑफ द ट्रेन पास द सिग्नल, उसमें मास्टर को कुछ भी नहीं करना रहता है, जैसे जैसे ट्रेन जाती जाएगी उसके हिसाब से ट्रैक सर्किट फेल पिकअप होंगे और उसके हिसाब से ही आपको आपके सिग्नल का जो भी एस्पेक्ट है वो होता जाएगा. जैसे अब मैं बता रहा था कि एक ब्लॉक सेक्शन क्लियर, दैट इज एक से लेके दो के, जैसे दो सिग्नलों के बीच में ओवरलैप तक क्लियर है तो वो येलो आएगा, आगे वाला और क्लियर हो गया तो डबल येलो आएगा, उसके आगे वाला और क्लियर हो गया उसके ओवरलैप के साथ तो फिर ग्रीन हो जाएगा. तो इसमें अपने आप चीज़ें चेंजेस होती रहती है और अपने आप ये आगे बढ़ता रहता है ना. ये नंबरिंग का तो खैर ऐसा ही है, पहले वेस्टर्न रेलवे में अपन नंबरिंग फॉलो करते हैं कि भाई दो होम और उसका अपोजिट होम दोनों का जो टोटल है वो शायद 51 होना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है. थ्री आस्पेक्ट वाला सिग्नल नंबर सीरियली और नंबर. अच्छा, ये ऑड इवन का तो रहता ही है कि अपन ऑड नंबर्स इन डाउन डायरेक्शन में अपन जाएंगे तो उसको ऑड नंबर देंगे और अगर अप डायरेक्शन का सिग्नल है तो उसको इवन नंबर दिया जाएगा. देयर इज एन अटेम्प्ट टू नंबर द ऑटोमेटिक सिग्नल अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ओएचई मास्ट होते हैं उससे किलोमीटर लिखे रहते हैं, तो उस किलोमीटर के हिसाब से भी हम ऑटोमेटिक सिग्नल को नंबरिंग करते हैं ताकि अपने को इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारा सिग्नल, सपोज बोलेंगे ना ये भला बोलते हैं ना 30215 फेल हो गया, अब वो कौन सा है, तो उसके हिसाब से आदमी जाके उसको अटेंड कर सकता है. अब इसमें यह भी है कि रिक्वायर्स कोड कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इन व्हिच फर्स्ट ग्रुप ऑफ डिजिट इंडिकेट्स किलोमीटर नंबर, लास्ट डिजिट इंडिकेट ट्रैक्शन पोल,
किलोमीटर में भी होता है ना, दो गाले होते हैं ना अपन, बस दो स्पान होते हैं 63 मीटर का, दो ओएसी वालों ओएसी के जो दो खंभे होते हैं उसमें 65 मीटर का डिस्टेंस होता है, तो उसके हिसाब से उसको डेजिग्नेट करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप पहले किलोमीटर आ जाएंगे फिर उसका पोल का नंबर आ जाएगा, ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे ये एग्जाम्पल ही उन्होंने दिया है, आप देखो इसको, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कि वो एग्जाम्पल है कि 7717 मीन्स ऑटोमेटिक सिग्नल लोकेटेड एट फर्स्ट डायरेक्शन पोल बिटवीन 117, मतलब दो स्पान है 177 और 178 किलोमीटर के बीच में जो पहला पोल है उसके हिसाब से, और ऊपर अप और डाउन के लिए फिर उसमें और ऐड कर देते हैं कि भाई ये अप का है ये डाउन का है, बाकी इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव विशेष बनेगा नहीं आपका। अब ये ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोल सर्किट्स, वो तो अपन जो सर्किट डिजाइन करते हैं ना उसमें क्या लेते हैं, जैसे ईच ऑफ द सिग्नलिंग सेक्शन हैविंग वन ओवरलैप ट्रैक एंड एटलीस्ट वन बर्थिंग ट्रैक। जैसे बर्थिंग ट्रैक अपन एब्सोल्यूट में क्या बोलते हैं, जो अपने स्टेशन पे होते हैं उनको अपन बर्थिंग ट्रैक बोलते हैं। ऐसे कोई भी ऑटोमेटिक सिग्नल होंगे दो, उसके बीच में जो पोर्शन होता है उसको उसका बर्थिंग ट्रैक बोलते हैं, और जो आगे का पोर्शन होता है उसको ओवरलैप बोलते हैं। तो वही ये सेम सिमिलर है, बस यही है कि एब्सोल्यूट में स्टेशन पे होता है और ऑटोमेटिक में ब्लॉक सेक्शन में भी ये होते हैं। नॉर्मली व्हेन द इंटायर सेक्शन इज क्लियर ऑल द ऑटोमेटिक सिग्नल्स विल डिस्प्ले क्लियर एस्पेक्ट, वो तो है ही, अगर पूरा सब कुछ क्लियर होगा तो ही ग्रीन आएगा। व्हेन अ ट्रेन पासेज द सिग्नल से सिग्नल वन द सिग्नल इज रिप्लेस टू डेंजर, जैसे ही सिग्नल पास होगा अपने आप वो डेंजर हो ही जाता है। जैसे फर्स्ट ट्रैक होम जैसे होता है ना, कोई भी सिग्नल का जो पहला ट्रैक है उससे वो डेंजर हो जाता है, तो इसमें भी वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं। आफ्टर द ट्रेन क्लियर सेक्शन अप टू द नेक्स्ट सिग्नल, ये तो उसके बारे में बताया गया है, वही चीज है। आगे जैसे आगे बढ़ता जाएगा चीजें डेंजर होता जाएगा, डेंजर हो जाएगा फिर येलो हो जाएगा लाइक दैट। पहले ये वाला सर्किट हमेशा आता था, और वो आता भी था 15-20 नंबर का ऑटोमेटिक सिग्नल सर्किट, लेकिन अभी तो सर लास्ट वाला सिग्नल कब येलो होगा? कौन सा जिस सिग्नल का वो डेंजर किया है, डेंजर के कितने देर बाद में वो येलो होता है, उस ट्रैक को पार करने के बाद में? नहीं, वो डेंजर होने के बाद वो जो ट्रैक क्लियर हो जाएगा प्लस उसका ओवरलैप क्लियर होगा तब फिर येलो होगा वापस वो। ओके सर। चलो तो अच्छा है, मतलब सब जग रहे हैं यार हैं। ओके ये हो गया, कुछ है नहीं। कैस्केडिंग तो नाम सुना होगा, जब पहले पहले फर्स्ट टाइम अपन सिग्नलिंग में आते हैं रिसेट में जाते हैं तो कैस्केडिंग, और ये पुराने जितने भी एग्जाम पेपर आप उठा के देख लोगे सभी में कैस्केडिंग के ऊपर एक फुल क्वेश्चन आता था। कैस्केडिंग का सीधा सीधा समझने जैसी बात यही है कि भाई तीन एस्पेक्ट है, हरा लाल है, हरा है और पीला है। अगर सपोज हरा चले गया तो अपने आप येलो आना चाहिए, येलो चले गया तो अपने आप रेड आना चाहिए, भाई दिस इज ओनली कैस्केडिंग, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कैस्केडिंग क्या होता है यार, घोटो उसको पढ़ो, आप पढ़ोगे ये करोगे तो क्या है, इसको मगअप कर लेते, मगअप करने से कोई बात ही नहीं है इसमें। एक एस्पेक्ट जाता है तो उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट आना चाहिए, वो गया तो और नीचे वाला एस्पेक्ट आना चाहिए, दिस इज द ओनली कैस्केडिंग अरेंजमेंट। हाँ चूंकि इसका सर्किट, डबल हाँ बोलिए, येलो का क्या इश्यू है सर? डबल येलो जाता है तो कौन सा येलो, येलो आता है क्या आता है? कुछ नहीं आता डबल येलो में, अगर बल्ब फ्यूज हो गया बस एक ही, उसका नहीं होता कैस्केडिंग कुछ। अगर आपका डबल येलो में से एक बल्ब चले गया ना तो ऑलरेडी येलो जलता रहेगा, ठीक है। अब ये ठीक है का उत्तर भी तो नहीं मिलता, फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। अच्छा जी कास्केडिंग सर, नहीं है ठीक है उसमें, पूछा डबल येलो की कास्केडिंग नहीं है, है? डबल येलो में कोई कास्केडिंग नहीं है क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, नहीं 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 होता उसमें, नहीं होता, ओके सर, ओके सर। ओनली एचआर एचएचआर में नहीं होता है ना, एचआर में होता है, ठीक है। अब ये आ गया नेक्स्ट इज, अब रेड लैंप प्रोटेक्शन की बात तो अपन कर चुके हैं पहले भी, जो अपने अभी एब्सोल्यूट में किया था ना, ऐसे रेड लैंप प्रोटेक्शन इसमें भी होता है।
रेड डैम इन द ऑटोमेटिक सिग्नल फॉल्स द कटिंग इन द अरेंजमेंट कैन नॉट रिजॉल्व द सिग्नल टू मोर रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट एज इट इज नो अदर रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट देन द रेट इन द सिग्नल हैज द सिग्नल गोज ब्लैंक aspect not in a position to protect the automatic signal section especially when a train occupies this section. Under this condition the usual practice is to force the red signal to danger so that it assumes the protection of not only its section but also the section in advance and as a result the real signal will remain at the red till the train clears two section. मतलब वही एब्सोल्यूट बन जाता है वो, मतलब दो सिग्नल मिला के बड़ा सेक्शन बन जाता है. कॉन्सेप्ट वही है, रेड लैम्प प्रोटेक्शन का मीनिंग यही है कि अगर आगे वाला सिग्नल ब्लैंक हो गया तो आपको, आपके पास कंडीशन पूरी अच्छी है फिर भी आपको रेड होना है, उस सिग्नल को रेड होना पड़ेगा. दो दो उसका कंडीशन आगे का सब क्लियर है, सब कुछ है, फिर भी चूंकि आगे वाला ब्लैंक है इसलिए उसको जो उसके पहले जो सिग्नल आएगा उसको रेड होना पड़ेगा. ठीक है, ये उसी का सर्किट है. अब ये एडिशनल सेफ्टी डिवाइस, तुम सबने सवरण में तो नाम सुना होगा, AWS लगा देते हैं, ये एंटी कोलिजन डिवाइस है, वो अपने यहाँ तो अभी इसको लगाया नहीं गया है. कोकन रेल में सबसे पहले लगाया था इसको 1999 में जब गाइसर एक्सीडेंट हुआ था ना, और उसके बाद ये था कि पूरे इंडियन रेलवेज में इसको लगाएंगे, बट वो बाद में इतना पॉपुलर नहीं हुआ और उसको नॉर्दर्न रेलवे भी कहा लगाया था, वेस्टर्न में तो अभी तक ये एंटी कोलिजन डिवाइस लगी नहीं है. और तीसरा है ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम दैट इज TPWS. अब इन तीनों का एक निचोड़ नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं टिकास, है ना, वो मैं आपको अलग से एक स्लाइड में बता दूंगा, उससे फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. अब ये तीनों एक्चुअल में अब्सोल्यूट हो जाएगी. अब ना तो AWS लगेगा, ना ACD लगेगा, ना TPWS लगेगा. अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो है टिकास, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ऐसा करके उसका होता है फुलफॉर्म. तो वो अभी आपको अभी आगे देखता हूँ, अगर होगा तो उसकी एक स्लाइड है वो आपको दिखा देंगे. हाँ ये जरूर आएगा यार, कि अगर ये तो आपको सबको पता ही होगा, और इसके ऑब्जेक्टिव हमेशा आते हैं कि 1 मिनट रुकना चाहिए, फिर 2 मिनट रुकना चाहिए. ठीक है, अगर आपका ड्यूटी इज ऑफ लोको पायलट एंड गार्ड when automatic stop signal on the double line is to be passed it on. When loco pilot finds automatic stop, मतलब मैं तो मोटा मोटी पढ़ने से कोई फायदा नहीं, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि अगर दिन में है तो आपको रेट पे कितनी देर खड़ा रहना है, 1 मिनट ना, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट खड़े रह के फिर आपको कैसे चलना है, मतलब नॉर्मल स्पीड से नहीं चलना है, दिन में 15 से और रात को 8 से 8 KMPH. और रात को आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा, 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा. बस यही चीज़ें अभी इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी ज़्यादा लिखी है, क्या है पढ़ दूँ क्या, मैंने लोको पायलट पॉइंट्स एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल विथ एन ए मार्कर एट ऑन ही शैल ब्रिंग हिज ट्रेन टू ए स्टॉप इन द रियर ऑफ सिग्नल आफ्टर ब्रिंगिंग हिज ट्रेन टू ए स्टॉप इन द रियर ऑफ द सिग्नल द लोको पायलट. ये हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में होती है तुम्हारी एग्जाम, दोनों में रहता है. ये पहली बार ही हो रही ना ऑब्जेक्टिव टाइप LDC, पहले हो चुकी है, पहली बार है सर, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम. तो तुमने ऑब्जेक्टिव के जुगाड़ कर लिए क्या, रीसेट वगैरह में बताते हैं, रहता है पूरा बुकलेट है उसका, 70% वालों का हुआ था सर. हाँ हाँ अच्छा, हाँ अभी ये लोग तीन लोग जो पास हुए ना, अश्विन कुमार, कौन सा वो अरविंद कुमार वगैरह, ये लोग अभी तुम्हारा ये पहले, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव होगा ऐसा. यस सर, सब्जेक्टिव है सर इसके बाद. तो उसकी भी ट्रेनिंग होगी ना, नहीं होगी अब नहीं होगी, नहीं होगी. साबरमती बुलाओ यार, तुम साल में एक बार तो बुलाते हो हमको यार, क्या तरीका है. जनरली है ना शनिवार को था और रविवार को फिर थोड़ा सा इधर उधर घूम के. हम लोग तो इसी में बुलाना चाहते थे सर, लेकिन क्या करें, चल ही नहीं हम लोग. नहीं अभी तो यार केसेस मुंबई में भी बढ़ गए हैं और उधर नागपुर में और इधर तो बहुत ज्यादा आ गए.
ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, बस एक मिनट दो मिनट, इसका 100% ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि उनको 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो कहाँ से लाएंगे, यहाँ से तो उनको प्रश्न उत्तर निकालने पड़ेंगे। एक चीज तो 100 ऑब्जेक्टिव बनाना ज्यादा मुश्किल है बजाय सब्जेक्टिव के, वो जो एग्जामिनर होगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या बनाऊ यार क्या बनाऊ। अच्छा इसके बाद ये बता रहे, अच्छा आईबीएस, आईबीएस का फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे और कुछ नहीं होगा प्रश्न उनके पास तो। एक आईबीएस और आईबीएच में कंफ्यूज तो नहीं होता, चीज वही है सब, इसको अपन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग बोलते हैं और उसको उसी उसी में अपन क्या बोलते हैं आईबीएच इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, हट दैट इज ए लोकेशन जहाँ पे अपने सिग्नलिंग इक्विपमेंट रखे रहते हैं, ठीक है। और ये जो सिग्नल कंट्रोल होगा उसको अपन आईबीएस सिग्नल बोलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लें। अब इसमें जीआर का चैप्टर, अब ये शायद ये भी प्रश्न एक ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या, जीआर चैप्टर 1/32 इंटरप्रिटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ सिग्नलिंग ऑन डबल। अच्छा ये ध्यान रखना अभी आईबीएच सिर्फ डबल लाइन के लिए ही है ना, सिंगल लाइन के लिए कोई आईबीएच नहीं है। ये भी मतलब डाउट रहता है लोगों को, सिंगल लाइन में भी लगा दे कि आईबीएच, बाकी सिंगल लाइन में आईबीएच नहीं लगता है, आईबीएच में कुछ नहीं यार आईबीएच। अभी सर सिंगल लाइन के लिए सब आया है सर, अभी किधर आ गया, सिंगल लाइन में लगाने के लिए भी लेटर आ गया है सर। अच्छा अच्छा अभी यहाँ पे इधर भी सुन रहे थे यार, पता नहीं कौन से सेक्शन में बात हो रही थी, तो ये सिंगल लाइन में फिर क्या डायरेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे वो। हाँ सर आया है उसका पूरा लेटर आया था, ड्राइंग वगैरह सब आया था उसका बीच में, तो एक साल एक डेढ़ साल पहले, तो उनको फिर वो डायरेक्शन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना यार, इस डायरेक्शन में ही जाएगी। हाँ। नहीं तो ऐसा थोड़ी सही हो, जहाँ पर फ्लो ट्रेन वाला ज्यादा है, मतलब एक डायरेक्शन में मॉर्निंग या इवनिंग में, हाँ, तो वहाँ के लिए वो डिजाइन किया है। हाँ मतलब वही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टाइप के वन डायरेक्शन में, फिर वो ऐसा कर देंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, फिर मास्टर उसको चेंज करेगा, स्लॉट अपोजिट देगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। हाँ तो ऐसा ही है सर, इसलिए अब वो पहले वो था कि डबल लाइन में ही होगा, लेकिन अब ये नहीं बोल सकते। मैंने इसलिए पूछा कि नरेंद्र की आवाज तो आए कम से कम, अब देखो तुम्हारी आवाज आ गई। अच्छा है तो बढ़िया चीज, अपने वेस्टर्न में तो अभी कुछ नहीं है यार ऐसा, है ना? नहीं अभी नहीं है, लेकिन सर लेकिन उसका ड्राइंग और लेटर सब आया था। ऐसे यहाँ पे भी हमारे जो फिफ्थ लाइन है ना इधर, क्या बोलते हैं सबर्वन में एक लाइन है, उसके अंदर भी एक सिंगल लाइन है, उसके अंदर ये होता है कि वो डायरेक्शन स्टेब्लिश हो जाती है, एक बार उसी पे इधर गाड़ियां चलती है, फिर जैसे ट्विन सिंगल लाइन होती है ना अपन, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक है, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक है, इधर है ना तुम्हारे सबर्वन में है ना एक जगह, एक्सीलेंट सब अर्बन अवॉइडिंग लाइन क्या बोलते हैं उसको, उसमें ये आपका अंधेरी और उसके बीच में है ना कुछ बांद्रा टन इधर है इस तरीके। तो अपने को तो खैर एग्जाम पॉइंट आपसे यही समझना है कि भाई आईबीएस कुछ नहीं है यार, एक एक बड़े ब्लॉक सेक्शन को अपन ने दो में उसको वो कर दिया, दैट इज डिवाइड कर दिया, तो उसका क्या फायदा हुआ है? फायदा ये हुआ कि भाई एक गाड़ी चलती थी वहां दो गाड़ी चलने लग गई, और दूसरा उसका और फायदा क्या हुआ कि उस वो जो स्टेशन अपन ने बनाया है, दैट इज अपन ने जो आईबीएच बनाया है, हट बनाई है, वह तो ना तो मास्टर है ना कोई इनका ऑपरेटिंग का स्टाफ है ना वो रिकॉर्ड कीपिंग है, तो अपने जो अपना उसके ऊपर जो खर्चा होता है स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर मास्टर के ऊपर वो अपना बच गया है, और अपनी जो ट्रेन की जो लाइन कैपेसिटी है या ट्रेन की ट्रैफिक डेंसिटी वो है वो अपनी डबल हो गई है। इसमें वरण किसका हुआ है पता है? सिग्नल वालों का, क्या उनका स्टाफ बेचारा जाएगा अटेंड करेगा, मास्टर तो खैर है ही नहीं हुआ, तो उसको अकेला जाना करना रात को बड़ी मुश्किल आती है। चलो जितने ऑटोमेटिक और ये आईबीएस अपन कर रहे हैं ना उसमें ऑपरेटिंग को तो बहुत फायदा हो रहा है, बाकी अपना जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है सिग्नलिंग का स्टाफ है उनको रियली प्रॉब्लम बहुत आ रही है, क्योंकि रोड साइड पर वहाँ कुछ मिलता भी नहीं है, पानी भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता है, फिर भी स्टाफ जाता है जरा परेशान तो होता ही है। एनीवे ये तो सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। तो आईबीएच का मोटा मोटी समझ गए आप क्या होगा, एक ब्लॉक सेक्शन को दो में डिवाइड करना, दो में डिवाइड करने का फायदा ये है कि जहाँ एक ट्रेन चलती थी वहाँ दो चल रही है, और अपने पैसे ओके वही लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा इसमें अपने को ना तो रेल चेंज करनी पड़ी, रेल भी वही है, ऑपरेटिंग स्टाफ भी अपने को लगानी कुछ नहीं लगा, और रेलवे की कैपेसिटी डबल हो गई है, ठीक है। अच्छा इसके नेक्स्ट इंटरमीडिएट ब्लॉक ऑफ सिग्नल विद होम सिग्नल प्रोवाइडेड एट एन इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट, वही है जो सिग्नल लगता है उसको अपन आईबीएस सिग्नल बोलते ही हैं, वो तो आप सबको डाउट यही है उस पर,
उसमें कुछ डाउट ही नहीं है आप लोग को। हम आप एक्चुअल में आप कैसे ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि ये जो सिग्नल है वो आईबी सिग्नल है, दैट इज आईबीएस सिग्नल है, तो उस पर ऐसा एक मार्का लगा रहता है आई और बी, आपने सबने देखा होगा इसको। इसमें कि ऑब्जेक्टिव बना बता पूछ सकते हैं कि कुछ आपको सिंबल दे देंगे। मेरी आवाज आ रही है ना अब? जी सर आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। हाँ ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आ जाएगा आपका आईबी के बारे में, ठीक है, ये आईबी का सिंबल आ जाएगा। या फिर आपको ये पूछ लेंगे कि जो आईबी है वो ब्लैक पे व्हाइट लिखते हैं कि ब्लैक पे रेड लिखते हैं कि रेड पे, ये क्योंकि प्रश्न है तो उनको निकालने इसी में से पड़ेंगे ना यार, वो कहाँ से लाएंगे ऑब्जेक्टिव को, तो ये आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये जी आर 3.17, अब ये तो पता नहीं इतना तो कौन पूछेगा। हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कंडीशन ऑफ टेकिंग ऑफ आईपीएस ऑफ एलएस ऑब्लिक एलएसएस, आईपीएस में क्या होता है कि स्टेशन ए है बी है और बीच के अंदर अपन आईपीएस लगाते हैं, तो अपनी गाड़ी अपना जो एलएसएस कहाँ तक पहुंच सकता है, आईपीएस तक पहुंच सकता है, मतलब आपकी जो लाइन क्लियर रहेगी वो आईपीएस और स्टेशन बी के बीच में आपको लेना पड़ेगी। आपका एडवांस स्टार्टर जिसको अपन लास्ट एलएसएस बोलते हैं ना, एलएसएस टेक ऑफ तो कोई भी स्टेशन कर सकता है, सब्जेक्टेड कि वो जो ट्रैक सर्किट है, या ट्रैक सर्किट तो जनरली नहीं होते हैं, वहाँ एक्सेल काउंटर होते हैं, वो एक्सेल काउंटर आपका क्लियर हो तो वहाँ तक आपको गाड़ी भेज देगा और आगे आईबीएच और नेक्स्ट ट्रेन सपोज स्टेशन बी है उसके बीच में अगर क्लियर होगा और लाइन क्लियर मिलेगी तभी वो आईबीएच सिग्नल टेक ऑफ होगा। अब ये थोड़ा सा है क्रॉसिंग आप डिजिट ब्लॉक सिग्नल एट ऑन, हाँ ये जरूर है यार, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आईबीएच तो काफी लोग ने आईबीएच पे काम तो किया होगा मेरे ख्याल से, इसके अंदर बस मोटा मोटी वही है, 5 मिनट का है, मैं आपको एक मिनट एक मैसेज थोड़ा देख लेता हूँ। आईबीएच पे क्या होता है कि अगर सपोज ड्राइवर अपने गाड़ी को लेकर आईबीएच सिग्नल तक गया और वहां उसको स्टॉप उसका जो आईबीएच सिग्नल है वो ऑन मिला, ऑन मिलने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आगे कोई ट्रेन गई है, ठीक है, या फिर वो आपका आईबीएच सिग्नल ही फेल हो गया है, तो उसमें वो क्या करेगा जो लोको पायलट है वो अपनी गाड़ी को सिग्नल तक ले जाएगा, उसके बाद वो 5 मिनट तक वेट करेगा। ये 5 मिनट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव का मैं पूछेंगे आपसे कभी, तो 5 मिनट वेट करने के बाद भी अगर सिग्नल ऑन ही है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो सिग्नल उतरेगा अपने लोको से, सिग्नल पोस्ट के पास जाएगा, वहाँ एक टेलीफोन होता है और टेलीफोन पे जो मास्टर स्टेशन मास्टर है बी स्टेशन का उससे बात करेगा, फिर वो बता देगा कि यार ये तो गाड़ी आ रही है अभी आप वेट करो, या फिर वो बोलेगा कि नहीं ये तो हमारे सिग्नल खराब हो गया है या डिफेक्टिव है, तो वो अगर बोलता है, ये एक और कंडीशन हो सकती है उसकी बात ही नहीं होती है, तो अगर वो बात नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को वही 15 और 8 के हिसाब से आगे लेके बढ़ेगा 5 मिनट रुकने के बाद, और अगर गाड़ी गई हो तो वो फिर इंतजार करेगा, वो फिर उस टाइम 5 मिनट के बाद बढ़ेगा नहीं, फिर जैसे ही गाड़ी पहुंच जाएगी स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर ले लेगा, सिग्नल दे देगा, तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से स्टेशन बी तक चले जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है कि पासिंग ऑफ इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल एट ऑन, ये जीआर में लिखा है 3.75 में, तो जीआर के पेरे के हिसाब से तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उसको पास करने का प्रोसीजर क्या है। मोस्टली जो लोग आईबीएस सेक्शन में काम कर रहे हैं, दैट इज खासकर जो नागदा है, गोधरा से नागदा है, उनको तो ये रोज का काम है तो उनको तो कोई समस्या है नहीं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में जो काम कर रहे हैं, जो राजकोट भावनगर वाले हैं जिन्होंने आईबीएच का नाम सिर्फ सुना है प्रैक्टिकल काम भी किया है, उनको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
अब ये वही सब चीज लिखी है। इसमें 10 किलोमीटर मेरे ख्याल से यार 8 और 15 है, कोई और बताएगा क्या? क्यों नरेंद्र 15 और 8 की ना? हाँ सर 8 और 15 ही है सर। या मेरे को जो पीपीटी इसमें 10 किलोमीटर स्पीड नॉट 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर है सर, वो गलत लिखा है। 10 किलोमीटर हो गया, 10 KMPH हो गया अभी। अच्छा नहीं मेरे को आइडिया नहीं यार इसका क्या है, अभी मेरे को तो 15 और 8 ही पता है। 8 खत्म हो गया, 10 कर दिया है। कम्युनिकेशन फेलियर होने से क्या कैसे जाएगी गाड़ी? वही कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, कुछ बात ही नहीं हो रही, तो भी उसको 5 मिनट वेट करके आगे बढ़ना है फिर धीरे धीरे उसको वेट नहीं। हो सकता है कि वो गाड़ी आगे उसके आगे जा रही हो, बट बी रेडी टू स्टॉप बिफोर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उसको अगर गाड़ी दिख जाती है तो फिर वो रुकेगा। नहीं कुछ इंडिकेशन आता है क्या सर जो बी स्टेशन में कि गाड़ी पास कर दिया है? नहीं नहीं बी स्टेशन में, बी स्टेशन में तो क्या वो एक्सेल काउंटर फेल हो जाएगा। अभी देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका आईबीएस सिग्नल फेल हो, एक्सेल काउंटर आपका बराबर हो ठीक है, और आपका एक्सेल काउंटर भी फेल है आईबीएस सिग्नल भी फेल है और आपकी गाड़ी 5 मिनट इंतजार करने के बाद आपने इंटर कर लिए, तो मास्टर के पास कोई इंडिकेशन नहीं जाएगा। अगर नहीं सर गाड़ी एक होम पे खड़ी है, होम पे तो एक गाड़ी है ना, तो पहले से बीएमपी के पास होम पे खड़ी गाड़ी और एक आईबीएस पे खड़ी है ठीक है। हाँ तो इस केस में जो आईबीएस पे जो गाड़ी खड़ी है वो जाएगी कि नहीं जाएगी अगर टोटल कम्युनिकेशन फेलियर है तो? मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर टोटल कम्युनिकेशन फेलियर हो गया तो 5 मिनट के बाद तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, उसको थोड़ी पता है कि आगे गाड़ी खड़ी है। भाई उसको अगर पता होगा कि उसको पता कब चलेगा, जब उसका कम्युनिकेशन बैठेगा, आपस में बात करेंगे। अगर कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है तो वो अपनी गाड़ी को 1 घंटा 2 घंटा थोड़ी ना खड़ा रखेगा, वो तो चालू कर देगा गाड़ी को। अगर हाँ मास्टर से बात हो जाती है और मास्टर बोलता नहीं यार गाड़ी यहाँ पे है अभी, मैं आपको लाइन क्लियर देता हूँ, तो फिर वो आधे घंटे भी खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसा है। पर अब तो खैर मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल से भी लोग बात कर लेते हैं है ना। तो पर ये इसका प्रोसीजर यही है, मतलब समझने में तो अपने को ये क्लियर करना पड़ेगा कि 5 मिनट बस एक मोटा मोटी याद रखो कि 5 मिनट उसको इंतजार करना है आईबीएस उस पर, और अगर बात हो गई, बात हो गई और गाड़ी है तो 1 घंटा भी खड़ा रहना पड़ेगा उसको। अगर पार्टी को त्यागी बोल रहा हूँ सर। हाँ त्यागी जी सर, इसमें एक चीज और है कि जैसे अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मतलब कि कम्युनिकेशन होने के बाद कौन सी अथॉरिटी पे जो है कि ये पास कर पलेट पास करेगा, वो नंबर देता है ना, प्राइवेट नंबर देता है ना वो। हाँ वो चीज एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि वैसे हाँ, तो अगर नई बात हो रही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो फिर 5 मिनट वेट करेगा और हाँ, फिर आगे बढ़ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से। बट अगर कम्युनिकेशन होता है उस पीरियड में कौन सी अथॉरिटी वो प्रोवाइड करी जाती है जिससे वो इंटर हो अंदर? एक्चुअल में क्या होता है ड्राइवर प्राइवेट के बाद, ड्राइवर के बाद ही, और इसके अलावा वो प्राइवेट नंबर वही नंबर होगा जो अगले स्टेशन जो हमारा एडवांस स्टेशन है उससे जो लाइन क्लियर का जो नंबर मिलता है, लाइन क्लियर का जो नंबर मिलता है वही जो है कि वो उसको देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसका जो प्राइवेट नंबर की किताब होती है ड्राइवर के पास भी, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो यूज करता है उसको, वो चीज है सर, वो एक क्वेश्चन बन सकता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या तुम लोग आपस में थोड़ा बहुत प्रश्न बनाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो ये तो क्या है पहली बार हो रहा है ना तो थोड़ा सा। नहीं सर आप तो वहाँ पे हैं, कम से कम ये इसमें इस तरह के ही क्वेश्चन आवे हैं कि मतलब सभी क्वालिफाई करें, असली एग्जाम तो हमारा रिटेन है उसमें जो भी देना है दे, इसमें पास करना जरूरी है। त्यागी 100% सब लोग पास हो जाओगे, मैं लिख के दे दूं क्या? इस बार इतना सिंपल सिंपल आएगा देख लेना आप, सब लोग पास होना चाहिए सर, होना चाहिए बस ये है कि कोई मतलब नहीं है सर। नहीं नहीं पर आप सब लोग 100 लाने की चेष्टा मत करना, उसमें आप नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे। नहीं वो तो सभी लोग समझदार हैं सर, ये इसमें काफी लोग मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है और
ग्रेजुएट भी है तो ये इसमें ऐसा सवाल ही नहीं उठेगा। हाँ बस वो निगेटिव के लालच में आप मत पड़िएगा, वो बड़ा परेशान करता है, आपने वो लगता है क्या हो जाए, पर वो निगेटिव भारी पड़ता है बहुत बार। हाँ नहीं नहीं वो लालच तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये है कि मतलब जो रिक्वायर्ड है उतना तो करेगा। हाँ नहीं वो तो कर, वो तो उसका विवेक जो उस टाइम विवेक में आ जाता है वो आदमी वही करता है। ठीक है लेकिन आप उतना ही करवाना सर, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आवे कि कम मतलब से कम 80 मार्क्स तो हर कोई कर जाए। तुमने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी यार हमको अब तो। इस बार तो यंग लड़के बहुत होंगे ना, 35-40-45 की एज वाले बहुत होंगे तो आपके इसमें अभी। नहीं, नहीं, बहुत ही काफी लोग हैं सर, काफी यंग जनरेशन है। ऐसा ना त्यागी, 35 और 45 के बीच वाले कोई फायदा है एज से बनने में, आपको फ्रेंकली बताऊं, क्योंकि अभी देखो हमको 12-12 साल हो गए यार, कुछ प्रमोशन तो है नहीं है ना, तो जो यंग है ना उनको तो बहुत सीरियसली अभी निकल जाना चाहिए। नहीं मेरा मेरा ये कहना है सर कि मतलब कुछ भी हो लेकिन हमारी वैकेंसी खाली नहीं होना चाहिए, भरना चाहिए। तुम्हारी आवाज कट रही है, हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर आ रही है। त्यागी जी की आवाज गायब हो गई यार। त्यागी जी की आवाज, हाँ सर एक एक फोन आ गया था सर, मैं बोलने वाला था त्यागी, मैं बोलने वाला था त्यागी को फोन आ गया होगा भाई। तुमको ढंग से ट्रेनिंग भी लेने दी, ट्रेनिंग भी लेने दी, ऐसा लग रहा। चलिए हाँ ठीक है सर, आगे बढ़े सर, आगे बढ़े है ना। ये उसी को ब्रीफ किया है यार कि IBA इन अरेंजमेंट मेड ऑन द डबल लाइन। अभी अपन इससे डबल लाइन ही बोल रहे हैं कि अभी तक सिंगल लाइन का यार मेरे को भी नॉलेज नहीं है, प्रवार ने जरूर बताया पर आया तो चिट्ठी पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है यार अभी का है ना। बस ये मोटा मोटी इसका निचोड़ यही है कि IBA इन अरेंजमेंट मेड ऑन ए डबल लाइन सेक्शन फॉर इंक्रीजिंग द सेक्शनल स्पीड बाय स्प्लिटिंग ए लॉन्ग ब्लॉक सेक्शन इंटू टू सेक्शन नेमली रियर सेक्शन and advanced section by installing an IB signal at the point of bifurcation of two running lines with respect to the nominated direction of traffic. A feature of IBS, अब इस पे तो हम तो डबल लाइन ही लिख रहे हैं सब देखें भाई, IBS exists only on double line, वो देखना पड़ेगा यार मेरे को भी सिंगल लाइन के हिसाब से क्या है। The purpose of IBS to increase the section capacity, वो तो आपको पता ही सब। अच्छा इसमें ये ध्यान रखना इट इज ये एक ऑब्जेक्ट आएगा राज, इसमें ये जरूर आएगा, ये इसके अंदर पता है ना कि इसका IBS सिग्नल के आगे का जो ओवरलैप होता है वो 400 मीटर का रहता है, जैसे सी क्लास स्टेशन होती है ना उसके बिल्कुल वही। कौन बोल रहे सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ये परिणाम मीणा जी का ये चालू बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अच्छा बंद करके फिर बोल तो रहे हो तुम, कहाँ बंद किया तुमने? हाँ तो अपन बात कर रहे थे IBS के बारे में, वही कि IBS एग्जिस्ट ओनली ऑन ए डबल लाइन सेक्शन, द पर्पस ऑफ IBS टू इंक्रीज द सेक्शन कैपेसिटी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई दिया है। It is a replacement to class C station with the following advantages. Class C station अपन किसको बोलते हैं? Class C station वो station होता है जहाँ पे जो रेल है जो ट्रेन है वो रुकती नहीं, it will continue its journey, और वो कब क्लियर होता है जब वो 400 मीटर और आगे चले जाती है, तब वो रेल वाला जो अपना ब्लॉक सेक्शन है वो क्लियर होता है। तो ये भी एक तरह से क्लास C स्टेशन ही है, बाकी इसमें क्या नहीं है, इसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें स्टेशन मास्टर नहीं है, ऑपरेटिंग का कोई स्टाफ नहीं है, कोई ना पीपी है ना कोई आपका सफाई वाला है, या फल स्टेशन की बिल्डिंग नहीं है, तो ये सब अपना खर्चा बचता है इसके अंदर। और अपना उद्देश्य क्या होता है कि भाई एक ब्लॉक सेक्शन में हम दो ट्रेन चलाएं तो अपन चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट है इट स्प्लिट ब्लॉक से इनटू टू सेक्शंस नेमली रियर सेक्शंस एंड वही मैं जो बात कर रहा था, मैक्सिमम टू ट्रेन्स कैन बी डेल्ट on a length, then the double line block section on which
नॉमिनेटेड रनिंग लाइन बाय अडॉप्टिंग आईबीएस सिस्टम, बस वही है, एक को दो में कर देते हैं। अब इसके बाद और क्या है इसमें देखता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, ब्लॉक सेक्शन इज डिवाइडेड टू पोर्शन, रियल सेक्शन और एडवांस सेक्शन, वो तो आपको सबको पता ही है। एक्सेल काउंटर विथ रीसेटिंग अरेंजमेंट फॉर ईच अदर, आजकल तो सब एक्सेल काउंटर भी, मतलब अब यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर का जमाना तो चले गया, अब जहाँ पे भी लग रहे हैं या तो एच ए डी ए सी लग रहे हैं या एम एस डेक लग रहे हैं। जैसे इसमें जरूर लिखा है कि एक्सेल काउंटर यूज मे बी यू एस सी और एस एस डेक, अब एस एस डेक के हिसाब भी हटके एम एस डेक हो गया आजकल, कहने को तो वही है, जहाँ पे मोर देन वन सेक्शन होता है तो उसको एम एस डेक बोल देते हैं। आई बी एस पैनल विद द वेरियस इंडिकेशन एंड पुश बटन एट ईच ब्लॉक स्टेशन, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बी एस सिग्नल, डिस्टेंट इनर डिस्टेंस सिग्नल, कन्वेंशनल डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप इस किसी में भी लगा सकते हो, आई बी एच कन्वेंशनल डबल लाइन के अलावा इवन बी पी एस सी में भी लगाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नल पोस्ट कम्युनिकेशन विद स्टेशन इन रियर फ्रॉम द ईच आई बी सिग्नल, वही कम्युनिकेशन होता है, उसको टॉक बैक बोलते हैं, शायद टॉक बैक रहता है उसके ऊपर, उससे एक टॉक बैक का एक जो वो होता है, एक टॉक बैक का एक लगता है अपने आई बी सिग्नल पर और एक लगता है स्टेशन पे। ठीक है, अब इसी को फर्दर और इलेबोरेट किया है इसके अंदर, वही मैं जो बोल रहा था ना 400 मीटर वाला थोड़ा ध्यान देना है, ये शायद आप पूछ सकते हैं आपसे, है ना, सेक्शन बिटवीन एनालिसिस एंड एन आई बी सिग्नल इंक्लूडिंग 400 मीटर, मतलब स्टेशन सेक्शन वहाँ तक जो 400 मीटर तक हम इसको बोलते हैं रियर सेक्शन। एंट्री ऑफ ट्रेन इन टू रियर सेक्शन इज कंट्रोल बाई एल एस एस, दैट इज एल एस एस ऑफ द स्टेशन ए, एल एस एस इज कंट्रोल बाई क्लियरेंस ऑफ द रियल सेक्शन एक्सेल काउंटर, एल एस एस इज टेकन ऑफ बाई द स्टेशन इन द रियर, मतलब वो स्टेशन जो ए है जो गाड़ी भेज रही है। एडवांस कौन सा बोलेंगे, स्टेशन सपोज अपन मान लेते उसको स्टेशन बी, सेक्शन बिटवीन आई बी एच एंड फर्स्ट ऑफ सिग्नल, दैट इज द होम सिग्नल ऑफ द स्टेशन इन एडवांस प्लस ब्लॉक ओवरलैप, उसका जो भी ब्लॉक ओवरलैप होगा, ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है, सर इन आईबीएस रियर सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एलएसएस और एक्सेल काउंटर, दोनों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट? नहीं नहीं देखो, एलएसएस कोई कंट्रोल नहीं कर, एलएसएस के पीछे का जो एक्सेल काउंटर है ना, वो एक्सेल काउंटर एक्चुअल में एलएसएस को कंट्रोल करता है भाई। आपको क्या होगा, एक्सेल काउंटर क्लियर होगा ना तभी तो एलएसएस आएगा ऐसा। और ये हाँ, स्टेशन बिटवीन आई बी एस एंड एफ एस एस, दैट इज होम सिग्नल ऑफ द स्टेशन इन एडवांस इंक्लूड ब्लॉक ओवरलैप, एंट्री ऑफ ट्रेन इन टू द एडवांस सेक्शन इज कंट्रोल बाई आई बी सिग्नल एंड आई बी सिग्नल इज कंट्रोल बाई लाइन क्लियर, मैं जो आपको बोल रहा था ना, वो लाइन क्लियर लेगा स्टेशन बी और आई बी एस के बीच में, अगर क्लियर हुआ जो भी उसका एक्सेल काउंटर या ट्रैक्टर सीट या एम एस डेक जो भी लगा रखा है, तभी आपको लाइन क्लियर मिलेगा, और लाइन क्लियर मिलने के बाद ही आपका आई बी सिग्नल लोअर होगा, दैट इज ऑफ होगा। ठीक है, ये तो वही चीज है, एक्सेल काउंटर विथ रिसेट सिस्टम फॉर ईच, मतलब अपन कैसे अचीव करते हैं, तो एक्सेल काउंटर से, अगर अपन 5 किलोमीटर का डीसी ट्रैक सर्किट लगाना संभव भी नहीं है और वो काफी महंगा भी पड़ता है, इसलिए अपन अच्छा एक और चीज़ आने वाले टाइम में आप देखना, आप ये सब आपका एक्सेल काउंटर ही आने वाला है, अब आपका ये डीसी ट्रैक सर्किट और एम एस डेक ये सब कुछ अभी बंद होने वाला है। अब पूछे कुछ और इशू हो तो फिर मैं टिकास की एक स्लाइड है मेरे पास, वो मैं आपको बता दूंगा। के अलावा भी यार तुम लोग जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, जैसे कि 160 kph की रिक्वायरमेंट क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। पता है किसको, कि अपन जो नागदा तक 160 kph कर रहे हैं उसके लिए सिग्नलिंग में क्या क्या अंतर आएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कोई बता सकता है क्या? यार थोड़ा ट्विस्टर कटिंग क्यों होना चाहिए,
अभी हम जैसे उधर चलेंगे बड़ौदा से लेकर नागदा तक, वहाँ तो थ्रू आउट सर्किटिंग नहीं है, तो 160 किलो पे भी जब हो सकता है क्या? हेलो म्यूट कर लेना यार इसकी। देखो पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि इसके अंदर है ना जितने भी पॉइंट आएंगे वो थिक वेव आएंगे, ये आपसे पूछेंगे जरूर। थिक वेव मतलब क्लैम टाइप, पता है ना आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगा 160 kmph के लिए? 4R है ना, उसको 4R बोलते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है आपके जो पॉइंट होंगे ना, अभी अपने जो कन्वेंशनल पॉइंट है उसकी जगह फिर कौन से लगेंगे? हीट वेव पॉइंट लगेंगे। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरी और क्या होगी? डबल डिस्टेंट तो रहते ही है यार, अभी आप नागदा तक जाइए सब जगह डबल डिस्टेंट है, वो जो ऑटोमेटिक है वहां तो डबल डिस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा ये होगा कि जो आपका जो होम सिग्नल है ना उसको भी 4 एस्पेक्ट कर देंगे, बस ये दो ही है सिग्नलिंग की तरफ से, बाकी और कुछ नहीं है। और बाकी जितने भी एलसी गेट हैं वो सब इंटरलॉक्ड होना चाहिए, वो तो है। पर अपने हिसाब से अभी जो अपन ने 160 kmph का एस्टीमेट भी बनाया हेडक्वार्टर में, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है ये, बहुत प्रायोरिटी पे होगा ये, इसलिए हम लोग पोजीशन भी लेते रहे हैं डिवीजन से कि कितने थिक वेव लगे हैं, कितने बाकी। लगभग 1000 या 1100 थिक वेव लगना है, उसमें से 600 तो लग भी चुके हैं, बाकी बैलेंस है। तो वो होने के बाद फिर 160 kmph की गाड़ी दौड़ेगी फ्रॉम मुंबई टू नागदा और हियर इधर अपना अहमदाबाद तक। तो ये थोड़ा सा 160 के बारे में आपको एक दो ऑब्जेक्शन जरूर आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल करंट इशू है एकदम, किसका आएगा फिर। और टिकास के बारे में भी पूछेंगे कि टिकास टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो तो आप लोगों ने भी पढ़ा भी होगा जो अभी रिफ्रेशर में गए होंगे रिसेट वगैरह, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देंगे। कब तक है यार ये क्लास? ये प्रोफार्मा केवल उसकी दूरी नाम है। TWS तो ये लोकल लाइन और आप लोग ये डाउन लोकल में भी लगा रहे हैं ये एक्चुअल में? तो देखो ऐसा है, अपने जो सबर्बन है ना उसमें तो इंटर डिस्टेंट सिग्नल इतना कम है कि अपन चाह के भी 160 kmph नहीं दे पाएंगे। बट क्या होता है इंजीनियरिंग वालों का भी एक को रहता है टारगेट कि मेरे को 50 डालना है, तो 50 इसमें डालता है जहाँ पे इजीली उसको ब्लॉक मिल जाता है, और ब्लॉक का इजीली मिलता है जहाँ पे गाड़ियाँ कम चलती है लूप लाइन में, तो ये लोग डाल के अपना वो टारगेट पूरा कर रहे हैं। बट मेन तो अपने को जो मेन लाइन के पॉइंट हैं अप एंड डाउन के, उसका थिक वेव की पहली प्रायोरिटी है। तो अपन सिग्नलिंग पॉइंट आप जैसे तो हम इसी पे इनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई पहले इस पे डालो। ऐसे थिक वेव के अपने इशू बहुत सारे हैं, बहुत गेज वेरिएशन होता है, मीना को तो पता होगा, वलसाड़ वाला वो तो बहुत परेशान रहा बेचारा, तो वहाँ तो। पर फिर भी अब धीरे धीरे हमने एक्सेप्ट कर लिया है, पहले अपन पता हो तो पाइन में अपन रबर के इंसुलेटर वगैरह लगा वापस और ये लगाते थे एंकर वगैरह, अभी अपन मेटल पे आ गए ताकि उसकी थोड़ी ग्रिप बनी रहे। ये थोड़ा अपन ने पी ब्रेकेट में थोड़ा चेंजेस किया है, उसके SSD पे चेंजेस किया है, ऐसे करके अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं। पता नहीं अब क्या हाल है, गेज वेरिएशन तो पहले आता था, काफ़ी आता था जब इनिशियली थिक वेव डाले गए तब काफ़ी गेज वेरिएशन होता था। गेज वेरिएशन सर उसमें टेम्परेचर वेरिएशन से ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा टेम्परेचर उसमें क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन जिस पॉइंट के आगे पीछे अगर SEG है हाँ वहाँ पे क्या है सर वो SEG की वजह से वो क्लैम ब्लॉक फंस जाता है ऑपरेशन के समय, जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना तभी वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, वो फेल हो जाता है वो, और एक बार उसको अगर बिठा दिया हाँ। उसके बाद में वो चलता है, लेकिन इनिशियली जब फर्स्ट ऑपरेट करते हैं तभी वो फेल होता है, उसमें ये समस्या है, इसलिए वो क्लैम ब्लॉक को फिक्स टाइट नहीं रख पा रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत मतलब ढिलाई रखना पड़ता है क्योंकि वो टेम्परेचर वेरिएशन हो तो थोड़ा बहुत मतलब करके एडजस्ट हो जाता है वो। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। गेज का तो है सर, वो लाइनर का है, लाइनर वो फिक्स नहीं रह रहे हैं क्योंकि इनका लाइनर भी
तो भाई हमने मीटर लगा दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो लगा दिया तो है, वो हर मेंटेनेंस में उसको देखना बहुत जरूरी है। लाइनर को नहीं तो फिर वो सेटिंग नहीं। एक चीज मैंने और देखी यार, इसके अंदर क्या होता है, जो आपके पांच या छह स्लीपर तक एक वो टाई बार को पकड़ते हैं अपन दोनों साइड से, वो बहुत सी जगह मिसिंग है अपने इधर भी। वो नहीं लगा सर, नहीं नहीं वो नहीं लगा। वो भैया उसकी ड्राइंग में उसके पीछे पड़ के आप लगाओ ना यार, उसको लगवाना चाहिए। एक बार तो सर कहीं भी नहीं लगा इधर। नहीं पर वो उसके अंदर आप वो स्लीपरों में देखना, आपको उसके अंदर उसके होल भी बने होंगे, वो टाई बार दोनों साइड से पकड़ लेगा ना, फिर वो कहा हिलेगा नहीं। मैंने हमने इधर यहाँ बोरीवली या कहाँ पे हमने ट्राई करवाया था, यहाँ पे काफी अंतर आया था। बोरीवली में है हाँ, तो ऐसा आप थोड़ा सा इसमें सर ये टेम्परेचर वेरिएशन का मेरे अभी समलाया चापर है मैम लगवाए ना नरेंद्र ना पिलो समलाया चापर में तीन जगह लगे मेरे भी, तो उससे अंतर आया होगा यार नरेंद्र है ना। हाँ नहीं फर्क पड़ता है, जो जहाँ लगे वहाँ मतलब थोड़ा इश्यू मतलब कम है। एक्चुअल में क्या उनकी जो ड्राइविंग की चीजें वही अपन लगवाते नहीं है ना यार, चक्कर ये रहा, अगर वो लगा ले तो भी अपने काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब तो बस ये कि ठीक है कि होल स्टैंडर्डाइज हो गया है, तो वो टंगरेल में होके आने लग गया ना कंपनी से, हाँ तो बहुत अच्छा हो जाए, सबसे ज्यादा टाइम उसी में जाता है। अच्छा ये बताओ नरेंद्र, पांच में आपका होल्ड करता है ठीक में अब? हाँ करता है सर, लोकी में करता है। और पहले नहीं करता था यार, बड़ी डेंजर। नहीं नहीं करता था, अभी भी किसी किसी पॉइंट में, लेकिन 90% पॉइंट में, ऐसा नहीं कि सब में करता है, लेकिन 90% पॉइंट में करता है। एक आध पॉइंट ऐसा है, एक दो पॉइंट पांच के में एडजस्ट करेंगे तो एक दो दिन में फेल हो ही जाएगा। नहीं वो एक दो पॉइंट ऐसे है जहाँ मतलब दिक्कत है, लेकिन 90% में हो जाता है। सभी पॉइंट पांच के गेज में एडजस्ट नहीं होते हैं, लेकिन होता है, लेकिन जब से पी ब्रैकेट आया तब से थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन पहले तो पांच के गेज में मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, और वो तुम्हारे एसएसडी के फेल्योर भी नहीं आ रहे ना, एसएसडी आउटसाइड लग जा रहा है इंसुलेशन उसका। हां सर एसएसडी का मतलब चेंज कर दिया है उन्होंने। नहीं अभी आपको एसएसडी का इंसुलेशन दिखता है ना बाहर से? हाँ दिखता है सर, क्लियर दिखता है सर। पहले लफड़ा पहले ये था, वो दिखता नहीं था ना, तो अपने को पता नहीं चलता था। हाँ नहीं उसके बाद टेक फेलियर नहीं हुआ अभी तक एक भी बार। हाँ पहले तो बहुत होता था टेक फेलियर। पर ये देखो यार ऐसा है, अपन कैसे भी इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, अब आने वाले टाइम में तो थिक वेव आना ही है, तो अपने को ही सुधार करवाना है कि भाई और क्या बेटर कर सकते। बीच में काफी रिजर्वेशन थे कि हमको थिक वेव नहीं लगाना है, खासकर बॉम्बे डिवीजन में, पर वो कोई माना नहीं, और फिर आखिरकार अपने को उसको पहले हमने तो ये भी बोला था कि इसको जैसे अपने चेयर्स होती है ना, पहले कन्वेंशनल पॉइंट में क्या होती है, चेयर से अपन पकड़ते हैं उसको, देसी मतलब कान बोलते हैं ना, कान पकड़ते हैं लाइक दैट। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, स्टॉक फ्री अपनी, इसलिए मेन दिक्कत आ रही है सर। वो जो क्या है टेम्परेचर वेरिएशन जो है ना, वो पेंडुल क्लिप से नहीं रुकेगा, वो स्टॉक रेल चलती है उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उसको रोकने के लिए सक्षम नहीं है, वो तो बढ़ता है तो बढ़ ही जाता है, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो टाइबर लगवाओ ना, पांच पांच वाले टाइबर लगा के देखो ना। अभी देखते हैं सर, आपने बताया वो देखते हैं ड्राइंग में, उसको बोलते हैं ना तो करवाएंगे उसको। है उसमें टाइप, उसमें आपने देखना उसमें होल भी बने हुए होंगे स्लीपर में। नहीं सर होल वाला तो नहीं है ऐसे स्लीपर नहीं है, तो नहीं डाल दी है, पर तो वही है, खाली टंग स्टॉक ही बदली किया उन्होंने, उसमें कुछ नहीं है। दूसरा एक सर इसमें जैसे कि अभी यूनिवर्ट मशीन से पैकिंग करते हैं, तो इसमें जैसे अभी यूनिवर्ट मशीन से पैकिंग करना है तो जीसी खोलना है, जीसी खोलने के टाइम पे क्या होता है, जो पहले मशीन स्लीपरों की जो स्पेसिंग होती है तो मशीन लिफ्ट करके पैकिंग मारती है तो स्लीपर खिसक जाता है, और वो स्पेसिंग तुरंत उस समय फिर दोबारा बन नहीं पाती है, तो उस समय रिकनेक्ट करने के टाइम पर टाइम ज्यादा जाता है इसमें, क्योंकि अगर हम वो नीचे का गुटका नहीं निकालेंगे तो वो आपस में स्लीपर थोड़ा खिसक जाता है, और फिर दोबारा नहीं तो खिसकाने के लिए पूरा पैकिंग तोड़ना पड़ता है, तब जाके होता है वो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है कि हमने जो रिवर्स साइड का जो मशीन के अपोजिट साइड में जो पैकिंग करता है ना, वो कुछ मीनिंग रहता नहीं है, वो खिसक ही जाता है। कुल मिला के बस ये है कि थिक वेव को अपने वो समझ के उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा यार। पहले तो टीटीएम पैकिंग के दौरान खोलना ही नहीं चाहिए उसको, टीटीएम पैकिंग के दौरान उसको खोलना ही नहीं चाहिए सर। खोलने के बाद अगर हमारा क्या होता है, पैकिंग करने के बाद फिर वही इशू है कि आपको रीअलाइनमेंट के लिए फिर आपको ब्लास्ट निकालने पड़ेगा,
फिर कोई इशू ही नहीं है, मतलब उसकी उसका पैकिंग का कोई माने ही नहीं रखता है। पर हमारे ऑफिसर से बोलते हैं कि उसको खोलो, वाले वही नोट करके ले जाते हैं आपने खोला नहीं। ये त्यागी जी करते हैं नोट, एक घंटे सेफ्टी वाले तो उसको ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा मतलब दुर्घटना हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, इनकी एक मशीन होती है ना आरडीएसओ, जिसको अपन बोलते हैं इंजीनियरिंग वालों की, वो चलती है ना, तो उसके अंदर पिक्स आते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यार 100% पैकिंग हो जाए। तो वो उनका अपने डिपार्टमेंट वाइजिंग तो होती है ना यार, उनका डिपार्टमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है कि पक्का पैक होना चाहिए। अपनी ये प्रैक्टिकल दिक्कत ये है कि आपका स्टाफ तो ले दे कि एक खलासी हो रहा है कि ये सब नहीं होता, उससे आप क्या क्या करा लोगे। तो अभी देखो कुछ आउटसोर्सिंग का चल रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बने, जैसे जोन कॉन्ट्रैक्ट होते कि नहीं होते आईडब्ल्यू के पास, भाई वो ठेकेदार को बुला के पेंटिंग करा देता है, ठेकेदार को बुला के मशीनरी वर्क, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट सिग्नलिंग में चालू करने का चल रहा है। अगर वो हो जाता है तो फिर आपको क्या लेबर भी मिल जाएगी, या एल सी गेट जैसे टूट गया तो पूरी गैंग आ जाएगी, उसको एल सी गेट ठीक कर देगी, तो आपका स्टाफ बच जाएगा थोड़ा उसमें। एक्चुअल में क्या, अपने को स्टाफ तो मिलना नहीं, अपने को जो कुछ भी अब करना है ना टेक्नोलॉजी की बदौलत ही करना पड़ेगा, इसलिए तो अपन रिडंडेंसी पे जा रहे हैं। अभी क्या हो गया, जैसे बड़ौदा है या नागदा है, बड़े बड़े जगह हमने दो दो, या आपका सबरवन ही देखो ना, एक जमाने में बॉम्बे में कितनी गाड़ियां पिटती थी, कुछ भी फेल पानी आता था पूरी गाड़ियां बंद। अब तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कोई गाड़ी पिट रही है, कारण क्या है कि पैरेलल में अपन ने एमएस ब्रेक लगा दिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से ही अपना उद्धार होना है। टेक्नोलॉजी तो लगा दिया हमने, लेकिन हम सिस्टम डबल कर रहे हैं, लेकिन मैन पावर डबल नहीं कर रहे हैं ना, मैन पावर तो वही रह रही है। हम जो जो भी वो हर सिस्टम को तो मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, वो एक ना एक दिन तो सिस्टम बैठने वाला है। नहीं नहीं, ये बताओ सिग्नल में अब क्या मेंटेनेंस बचा, एलईडी लगा दिया, अब क्या मेंटेनेंस उसमें, एक्सेल काउंटर लगा दिया, एक्सेल काउंटर में मेंटेनेंस तो चाहिए ही। नहीं नहीं कुछ ये मतलब चाहिए। अच्छा बताओ रहा, एक्सेल काउंटर सीमेंस का एक्सेल काउंटर लगा दिया, उसमें क्या मेंटेनेंस चाहिए। सर सीमेंस का एक्सेल काउंटर का अभी लग रहा है, बिरार से आगे लग रहा है ना अभी, उसका सीमेंस काउंटर धान रोड यार्ड में लगा हुआ है, पालकर यार्ड में लगा हुआ है, लेकिन उसका फेलियर कॉइल डैमेज कितनी हो रही है उसकी। देखो कॉइल डैमेज इज समथिंग डिफरेंट, बट उसमें मेंटेनेंस क्या है। लेकिन सर वो अभी सिस्टम लग जाएगा तो आगे मालूम पड़ेगा कि कितने फेलियर क्रिएट कर रहा है वो। ये बताओ जिसके यहाँ सीमेंस के लगा, वो भी अगर इस अपने इसमें है ट्रेनिंग में, सीमेंस का कोई फेलियर आता है क्या एक्सेल काउंटर का? फेलियर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है सर। इवन ये बताओ ना, आपका एमएस ब्रेक लगे है एल्डाइन के, ये परमार होगा शायद अपना बड़ौदा से, प्रॉब्लम नहीं है सर, एल्डाइन में इतना फेलियर नहीं है, लेकिन सीमेंस में फेलियर है। सीमेंस का क्या होता है दोस्त, एक बार इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया ना, फिर सीमेंस का बहुत मस्त चलता है। सर सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने जो वहाँ से लिस्ट बना के भेजी है पीसीएसटी साहब के सिग्नेचर के थ्रू, तो वो सारे शेड्यूल आपको पता है सर, आप तो फिल्म कर चुके हैं, आप ये बताइए कि सारे शेड्यूल को अगर मेंटेन करना है, हम तो चेक करते हैं, हम ये कह रहे हैं इतने शेड्यूल हो जाते हैं कि मतलब उससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाते। इसके अलावा आपने पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारा खाली 5 मिनट लेंगे, 2 मिनट लेंगे दोस्तों, ये हम लोगों को यहाँ डिस्कशन ये सब करना नहीं है, लेकिन बात चली तो मैं बता दूं, क्योंकि सर सीएसटी साहब के पीसीएसटी साहब के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए ये बात हम लोगों की पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था सर कि मतलब ये जो शेड्यूल है, इसके अलावा हमें हमारा जो मेंटेनेंस वर्क तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें खाली जो है कि कंस्ट्रक्शन प्लस इंजीनियरिंग के साथ लगाया हुआ है, इसके अलावा हमें मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप तो देख ले, फिजिकली देख लें कि मतलब क्या पोजीशन है, हमारे सारे एसएससीज बिल्कुल पजल्ड है कि वो दिन रात खाली इंजीनियरिंग के साथ लगे हुए हैं, पूरी गैंग उनके साथ लगी हुई है। ठीक है हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, हमारे मेंटेनेंस का क्या सर, हमारे मेंटेनेंस का क्या, हमारा जो आपने शेड्यूल भेजा है, अगर कल इंसिडेंट होता है तो हमारे स्टाफ को टेकअप कर लिया जाता, हमारा एक स्टाफ भावनगर का T6 नहीं किया था, उसको SFI दी गई, क्या है मतलब जस्टिस। सही, आपके बात से मैं एग्रीड हूँ 100%, पर चक्कर यह है ना, अब मैं इसलिए तो बोल रहा था, अभी आपने सुना नहीं कि अपन क्या, जैसे इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है ना जोन कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसके लिए अब आउटसोर्स करने का, देख ऐसा होता है यार, एक थोड़ा सा टाइम तो लगता है, अब अपने पास 30 सर बहुत अच्छे आए,
अब देखो कितना इंटरेस्ट लेके क्या क्या करा देंगे आपको। और ये है कि अब धीरे धीरे ये मान लीजिए लोग सिग्नलिंग का, अब खासकर ये जो आप मेन पावर की बात कर रहे हो ना, वो एडिशनल मेन पावर तो नहीं मिल रहा, पर हाँ आउटसोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट चलेगा तो उसमें हो नहीं, सकता सर, सर हमें हमें एडिशनल दें या ना दें, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्क्स कंस्ट्रक्शन को करना है, जो वर्क्स है। हाँ जो काम वर्क्स का है वो वर्क्स से करावे ना, कंस्ट्रक्शन का है बिल्कुल कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल। करावे ना, जो लीगल चीज है वो करावे ना, हमारा मेंटेनेंस है तो हमें खाली मेंटेनेंस के ऊपर छोड़े ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसे मैं तो बहुत बार मेरा सबसे बात मतलब पहले भी बात होती है कुछ ऐसी, तो हम वैसे ही बोलते हैं कि सर जैसे IW होता है ना वर्क चार्ज, वो TTM मशीन पे चले, ऐसे अपने पास एक SI होना चाहिए इंजीनियरिंग वर्क, तो इंजीनियरिंग के काम कराते रहे, ऐसी टीम होना चाहिए। पहले आपको ध्यान है पुराने जमाने में SI केबल होता था, एक उसका एक ही काम है भाई केबलिंग करना है और कुछ करना ही नहीं है। ऐसे अपना एक SI डाटा लॉगर बन जाए, एक SI IPS बन जाए, क्योंकि अब देखो अभी AMC NC का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है ना, तो देखो अभी क्या होता है फ्यूचर देखते हैं ठीक है हम। सर, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हमारे पास है नहीं। हाँ नहीं, टाइम आपके पास भी नहीं और मेरे को भी ऑफिस जाना है, तो मैं अब ये बस एक लास्ट एक स्लाइड है टिकास, है ना, इस पे आप लोग जो यंग लोग हो या जो भी अभी आने वाले टाइम में आपका भी टिकास से काफी कुछ इसी के बारे में आपको देखना है। और टिकास वही चीज है जो मैं बता रहा था कि सबका निचोड़ है ये। अब टिकास आने में क्या होगा कि जो कुछ आपके सिग्नल भी हट जाएंगे, आपको साइड पूरा कैप सिग्नलिंग हो जाएगा। इसमें अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रेड प्रोटेक्शन, एंटी कोलिजन और ये TPW, तीनों का कॉमन फीचर इसके अंदर सम्मिलित है, तो इससे आपको हर चीज अच्छी हो जाएगी। इसमें प्रोटेक्शन भी हो गया, आपकी कोई कोलिजन भी नहीं होगा और कोई स्पैड के केसेस भी नहीं होंगे, अपने आप ब्रेक लग जाएंगे। तो इसका एक तो फुल फॉर्म आपको शायद हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टिकास। और टिकास से काफी अभी ऐसे तो 10 साल से काम चल रहा है, बट अभी थोड़ा ऐसा इतना एडवांस स्टेज पे कि अब इसको लागू शायद मेरे ख्याल से सेंट्रल रेलवे में तो इसका प्रोजेक्ट सेंक्शन भी हो गया, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टिकास में से एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे, और यूं भी अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आप टिकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी अवेलेबल है, गूगल में भी जाके आप कर सकते हैं। तो मैं जो बोला था ना आजकल AWS वगैरह इन सबको हटा के अभी ये जो तीन चीज थी, ATP फीचर, कोलिजन प्रिवेंशन, इस सबको मिला के ये सिस्टम बना है टिकास। इसमें अगर कोई स्पॉट होगा तो वो भी बच जाएगा, क्योंकि अपने आप अपने ब्रेक लग जाएंगे, अच्छा सिग्नल हट जाएंगे, स्केप सिग्नल ही होंगे, केप में ड्राइवर को पता चलेगा भाई क्या चल रहा है, आगे कौन सा एस्पेक्ट है, जैसे अपने मेट्रोज वगैरह में है कि नहीं, इस टाइप से लो के स्पीड को भी मॉनिटर कर लेगा, मतलब वही है उसके हिसाब से, उसके सिग्नल काम करेंगे, एडान कोलूजन नहीं होगा, टिकास जब आ जाएगा उसको पता लग जाएगा। अभी इसमें क्या होता था, जो अपना एंटी कोलूजन डिवाइस था ना उसके अंदर क्या होता था, वो GPS बेस्ड था, ठीक है, ये रेडियो बेस्ड होगा, तो उसके अंदर अगर सपोज आपका डिस्टेंस 20 मीटर 25 मीटर होता था दो गाड़ी, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता था वो। इसके अंदर ये 100% इसके अंदर ID देंगे हम सबको, हर ट्रेन को। अरे वो कॉन्फ्रेंस का होगा, अरे अरे वो मेरा कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया यार 10:30। अरे इक्का इक्का है क्या फोन, इक्का इक्का तुम हो क्या? चलो ठीक है, तो उसके अंदर वो था कि अगर दो गाड़ियां करीबन 15-20 मीटर नजदीक होती थी ना, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था एंटी कोलिजन वाला, अगर दूर होती तो वो कर लेता था। तो उसके हिसाब से ये टिकास होने से क्या, एक ID चलेगी कि फलाने फलाने, जैसे अपने ID होती है ना उस ID से गाड़ियाँ चलेगी, तो वो उसके हिसाब से बता देगा ये ID अलग है, ये ID अलग है, तो फिर हमारा जो भी हेड ऑन कोलिजन बच जाएगा, रियर एंड कोलिजन बच जाएगा, साइड ऑन कोलिजन, ये सब बच जाएगा। तो बस यही मेरे को कुछ टिकास के बारे में हल्का सा तुमको एक छोटा सा देना था। इसके बाद मेरा तो हो गया यार सब्जेक्ट पूरा, अब आपको कुछ पूछना है तो पूछो, बताएं आवश्यकता। आधा घंटा और शायद मेरे 11 बजे तक है क्या ये? क्लोज करें क्या फिर अब जी सर, 11 बजे तक है क्लास। ये? अरे मेरे भाई 11 बजे तक है, ओके। अब बता पूछो यार, तुम्हें प्रश्न पूछो मैं उत्तर देता हूँ। सर 160 KMPH अटेन करने के हाँ लिए आपने 4R वर्ड बोला था सर, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। अच्छा, आपको बताया स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग अपने कितने हैं? आप नहीं डेसिमल सर, क्या
टेलीकॉम से हैं क्या सर? सिग्नलिंग से ही हूँ। अरे यार, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर नहीं पड़े आप? नहीं सर, अच्छा, अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा सर मेरे माइंड में, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे पहले तो हमेशा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था ये, है ना? तो उसमें क्या होता है कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, ये चार तरह की अपने स्टैंडर्ड ऑफ वो है, मतलब इंटरलॉकिंग के है। आर स्टैंड फॉर रिवाइज, पहले क्या 1 2 3 होते थे, अभी 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर। तो इसके अंदर बहुत से स्पीड क्राइटेरिया है। अभी अपना जो 3 आवर है ना, उसके अंदर स्पीड अपनी होती है 140 kmph तक, ठीक है? और जो 4 आवर होता है उसका स्पीड होता है 140 से ज्यादा, और 1 आवर का होता है मेरे ख्याल से 110 तक होता है ना, अप टू 50 वन आवर है, और 2 आवर है 110। यस सर 110 2 आवर है, 3 आवर है 110 से लेके 140, और 4 आवर है 140 एंड अनवर्ड, ठीक है? तो ओके सर, तो ये आप पढ़ोगे तो इसमें एक टेबल है कि आपको 1 आवर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 2 आवर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 3 आवर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और 4 आवर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जो 4 आवर होता है ना, उसके अंदर अपनी स्पीड 140 से ज्यादा है, तो उसमें अपने जो पॉइंट होते हैं वो क्लेम टाइम पॉइंट होना चाहिए, दैट इज थिक वेव पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, आपको डबल डिस्टेंट होना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होना चाहिए, ये मेन उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से अपने को जिस सेक्शन में थिक वेव पॉइंट नहीं है उसमें थिक वेव पॉइंट अपने को करना पड़ेंगे, अगर अपने को 160 kmph पे गाड़ी चलानी है। ये है 4 आवर का मतलब कोई विशेष नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग ही है। 1 आवर 2 आवर, आर सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि बाद में इसको रिवाइज किया गया, पहले 3 होते थे अब 4 हो गए। जी सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट? नहीं सर। धूम सिंह में 4 स्टेक होगा तो बताया था आपने, हैं? धूम सिंह में 4 स्टेक होगा? हाँ, देखो ये पूरा सिग्नलिंग का 4 एस्पेक्ट ही हो जाएगा, तो इसलिए होम सिग्नल नॉर्मली अपना क्या होता है, 3 एस्पेक्ट विथ रूट होता है, तो वो 4 एस्पेक्ट हो जाएगा। और अपना लूप की स्पीड भी बढ़ा, वो तो कल इसका 160 से कोई लेना देना नहीं, लूप की स्पीड अब बताए, अब अपना 50 हो रहा है, पहले अपने लूप पहले 15 थी, ये 30 हुई, अब 50 के लिए अपन काम कर रहे हैं। लूप में भी अपन पहला फर्स्ट लूप होने, सेकंड लूप नहीं, आप समझते ना, फर्स्ट लूप क्या होता है, सेकंड लूप क्या होता है। जैसे कोई पहले कोई गाड़ी अपना स्टाफ होने के लिए एक लूप निगोशिएट कर रही है, दैट इज द फर्स्ट लूप, और जो 2 लूप निगोशिएट कर रही है तो उसका सेकंड वाला होता है वो सेकंड लूप के लिए। ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम भी लगेगा भाई, टिकास लगेगा ना यार, अब हाँ करेक्ट, टिकास लगेगा, उसमें सब कुछ आ गया, पर टिकास इतनी जल्दी नहीं लगेगा अभी, ये 160 तो पहले होगी, 160 तो काफी काफी एडवांस स्टेज पे है, और इसके पीछे तो बोर्ड पड़ा है। टिकास सीटीयू लेवल कौन सा है, लेवल 1 है क्या टिकास? यार ये मेरे को नहीं आईडिया यार, आप पता नहीं, इतना मेरे को नहीं पता टिकास के बारे में। विरार से धानू के बीच में टिकास के लिए सर्वे चल रहा है, बट वो प्रोजेक्ट अभी अपना पिंक बुक में वर्क सेंक्शन नहीं हुआ टिकास का। अच्छा, सेंक्शन नहीं हुआ अभी, इसका हो गया, सेंट्रल रेलवे सबसे पहले लगाएगा। अच्छा अच्छा सर, ठीक सर, ठीक। तुम लोग स्टोर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कर रहे हो कि नहीं? ये खास मेन तो यही होगा, ये तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स का होगा, 150 का होगा, 100 का है सर, 100 का है। डेट आ गई ना एग्जाम की? 3 अप्रैल सर। 3 अप्रैल अभी टाइम है यार, नेक्स्ट लेक्चर किसका है अभी? ब्लॉक वर्किंग रहेगा सर, ब्लॉक वर्किंग। अरे टॉकबैक सिस्टम सिंपलेक्स मोड में काम करेगा या डुप्लेक्स में? इसमें डुप्लेक्स में करेगा सर, उसमें तो वन वे ट्रांसमिशन होता है जब
ड्राइवर बात करता है तो मास्टर बात नहीं कर सकता, मास्टर करता है तो ये नहीं कर सकता ड्राइवर, दोनों एक साथ नहीं कर सकते बात। यस सर। तो सिंप्लेक्स में होगा, हाफ डुप्लेक्स है सर। मेरे को पता नहीं यार, बरसों हो गए छोड़े तो। और क्या कैस्केडिंग वगैरह तो क्लियर है ना, किसके तो समझ में कोई डाउट तो नहीं है ना। और क्या आएगा, रेड लॉग प्रोटेक्शन कैस्केडिंग, ये तो सब जनरल चीजें हैं, पर ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है उस पर डिपेंड। तुम लोग के पास पुराने ऑब्जेक्टिव तो हो, इरिसेट में मिल, इरिसेट के जुगाड़ कर लो यार, वहाँ है कुछ ऑब्जेक्टिव। देखिए MTTR MTBF ये पता है ना सबको, एक इस पे क्वेश्चन आएगा भी, MTTR का फुल फॉर्म पता है ना? नहीं सर। MTTR मीन टाइम टू रिपेयर, ये ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम 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 कम। तो ज्यादा वाला भी है के बोले मेरे को तो गाड़ी नहीं मिली, अभी तो मैं जाऊंगा गाड़ी आई तो MTTR कैसे बढ़ा सकते हैं अपन? क्यों भाई MTTR बढ़ा कैसे बढ़ा सकते हैं? अटेंडेंस नहीं करे फेलियर तो बढ़ जाएगा अपने आप। ऐसे एक MTBF होता है, वो कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए क्या? सर उसका फुल फॉर्म MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर, वो तो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ MTTR MTBF MTTR ये भी एक तरह से चीजें हैं जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। अपने को देखो अभी दो घंटे में ना तो आप ढंग से कर सकते हो ना, मैं बस ये है कि अपने को तैयारी ये करनी है कि यार एग्जाम क्रैक करनी पहले, तो उसके हिसाब से एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अपन कोई पहले बात तो कोई प्रश्न छूटे नहीं है ना, और इस प्रश्न को अपने को एक मिनट देना, उसको अपन एक ही मिनट दें, ऐसा नहीं कि पूरा ही दस मिनट उसमें निकाल दे तो बाकी प्रश्न रह जाए अपने। सर एक टिकास की वर्किंग एक डायग्राम से थोड़ा बता देते। उसमें कुछ नहीं होता, क्या होता है वहाँ पर स्टेशन बनते हैं, टिकास के स्टेशन बनते हैं, उसको बोलते हैं टिकास स्टेशन। तो वहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन होगी ना आगे कोई वो आईडी के हिसाब से वो करता है, जैसे अपन क्या बताऊँ जैसे मोबाइल फोन होते हैं कि नहीं, अपन इसमें अपन लोकेशन वगैरह अपनी दिखाते कि नहीं कि इस लोकेशन पे अपन आए, तो उसका आईडी में पता चल जाएगा कि ये ट्रेन कहाँ चल रही है, अगली ट्रेन कहाँ चल रही है, तो उसके हिसाब से वो आपका जो मेन सेंट्रलाइज जगह है वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी, और उसके हिसाब से वो जो ट्रेन है जो सपोज ए ट्रेन है उसका आईडी कुछ दिया तो उसके अंदर उसके कैब में सिग्नल आएगा एस्पेक्ट कि अभी ये इतनी दूर पे आपकी गाड़ी है तो आपका अभी ये एस्पेक्ट आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा होता है। कुल मिला के ये मानो कि अपन मोबाइल के लोकेशन ऐसे अलग से, जैसे मोबाइल में होता है ना कि आप कहाँ जा रहे हो आपको पता रहेगा, आप एक दूसरे को लोकेशन शेयर करते हो ना कि यार देखो मेरा एड्रेस ये, मैं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ तो इस पे आ जाना, उसके हिसाब से इसको भी सब इन्फॉर्मेशन टिकास स्टेशन पे जाती रहती है और उसके हिसाब से फिर वो उसको एड्रेस करता है, इसको बताता है लोको पायलट को। एक आइटम और था वो शायद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास भी एक मेरी है वो तो बड़ी बेकार क्लास है, उसमें FTC और ये तो कोई चीज़ें अपलोड हो गई है। प्राइम वगैरह आप लोग कोई डील करते हो क्या? प्राइम है टास्का है ये कोई डील करता है क्या? इसमें CSIT वगैरह नहीं कोई, उनको ज्यादा काम में आता है। चलिए अपन क्लोज करते हैं फिर, है ना? ठीक है।
थैंक यू सर ओके हाँ यार क्लोज करते हैं हमने सर धन्यवाद ऑफिस जाना थैंक यू सर और कोई डाउट हो तो मेरे से बात कर लेना और कुछ लेटेस्ट क्या पैटर्न एक्चुअल में क्या देखो अभी लेटेस्ट क्या आइटम चल रहे हैं उस पर भी आप लोग ध्यान देना और वही 10 मार्क्स है जो तुमको मतलब यहाँ पे ज़्यादा फायदा करेंगे बाकी तो रूटीन को सब जानती हैं अभी जैसे टिका चल रहा है 160K पे चल रहा है फिर प्राइम में कौन कौन से आइटम इंक्लूड हैं और उसके बाद अभी लेटेस्ट में फायर का काफ़ी चल रहा है कि फायर सिस्टम कैसा होना चाहिए एस्पिरेटरी टाइप होना चाहिए कि स्मोक डिटेक्टर टाइप होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए ये सब चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है तो वो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बाकी तो रूटीन तो आप कर ही लोगे सब लोग है ना चलिए थैंक यू वेरी मच है ना चलिए थैंक यू सर